तेरी सीट सबसे बढ़िया है ना, तेरी है। इसके लिए सुबह आना पड़ता है, ये दो ही टेबल है क्या? तो उनकी बढ़िया, एक तेरी बढ़िया है। अच्छा एक और है, दो अलग ही है। अच्छा मतलब मेरी क्लास में सिर्फ ये मिलती है, उससे पहले सुबह नहीं मिलती वाली टेबल? देखो भी नहीं मिलती। अच्छा हाँ सर, ये चैप्टर फिनिश हो गया, ये चैप्टर फिनिश नहीं नहीं नहीं, अच्छा इसका बी पार्ट ही था, वो इसी में है। चलो हो जाएगा, ठीक ठीक जो नए बच्चे आए हैं उनको ओवरव्यू दे दें, जरूरत नहीं पड़ेगी ओवरव्यू की, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ओवरव्यू की, क्योंकि फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होना है, वो जीरो से स्टार्ट होगा है ना, तो उसके लिए ओवरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कुछ बैकग्राउंड लिंक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैंने ओवरव्यू दे दिया तो ज़्यादा। ओके कूल, डायरेक्ट एंट्री वाले दो ही दिन होंगे फिर, एक दो दो बस, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सुन लो मेरी बात, जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं उनके लिए तो नहीं आई है, जो फाउंडेशन वाले हैं जो पढ़ के आए हैं पहले से उनके लिए भी नहीं आई है। मतलब मैं भरोसा करवा रहा हूँ तुम्हारे को, आज की क्लास के बाद तुम्हें फील होगा कि हमने फाउंडेशन में ऐसा कुछ सीखा ही नहीं था। मतलब या तो तुम्हें अपने अपर खंदक आएगी या अपने टीचर पर खंदक आएगी, आज ऐसा होने वाला, तुम्हारे साथ हादसे होंगे देखते चलना। तो टेंशन मत लो, जो पढ़ के आया वो भी अपने आप को जीरो ही समझना है इस चैप्टर में, जो नहीं पढ़ के आया वो तो जीरो है ही, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। और क्या वो एसी चलवाना है? अच्छा कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना, ये क्या चक्कर है? मैं तो ठीक हूँ, कंफर्टेबल है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। अच्छा इंडिया में कितने तरीके की कंपनियां होती हैं? प्राइवेट में आ जाती है, बिल्कुल सही बोली लड़की। अच्छा अब तू बोलेगी ओपीसी, वो भी प्राइवेट में आ जाती है, इट इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी बट इट हैज सम यूनिक फीचर्स है ना, तो सारी ये सारी प्राइवेट ही हैं, स्मॉल कंपनी ओपीसी ये सारी प्राइवेट ही हैं, लेकिन थोड़े से फीचर्स यूनिक है नॉर्मल प्राइवेट कंपनी से। तो कहने को तो कंपनी सिर्फ दो ही है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। एक चीज और बताई थी तुम लोगों को, क्योंकि इस वाले चैप्टर में भी उसकी लिंकिंग होगी और कुछ बच्चे नए हैं, मैंने बताया था कि प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी में फर्क होता है, और पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में फर्क होता है, होता है हाँ। अब हमारे वाले बच्चे तो हाँ 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 कर रहे हैं, बाकी मेरे को घूर रहे हैं। तो तू आई नहीं थी उस क्लास में, बैकअप भी नहीं लिया होगा बस, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? अच्छा अच्छा मेरे को लगा था को देख के भगा दिया उन्होंने, देंगे नहीं। अच्छा चलो टाइप्स ऑफ कंपनी स्टार्ट करें यार। देखो भाई कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी वो सारी बातें भी करूँगा। पहले दो कैटेगरी बना देते हैं, अभी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, तीन कैटेगरी बना देते हैं यार, प्राइवेट पब्लिक और ओपीसी की भी ले लेते हैं, क्योंकि आज मैं ये चीज़ और बताऊंगा कि ओपीसी को इन्होंने तीसरी कैटेगरी क्यों बनाया, लेकिन स्मॉल कंपनी को इन्होंने तीसरी कैटेगरी क्यों नहीं बनाया। अच्छा अगर तुम लॉजिकली सोचो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी और तीसरा क्या है, वन पर्सन कंपनी, ब्रैकेट में लिखा टू बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड। तो लॉजिकली तो ये ओपीसी ऊपर वाली कैटेगरी में आ सकती थी ना, पहले वाली कैटेगरी में प्राइवेट में, तो इसको तीसरी कैटेगरी अलग क्यों दिखाया, लेकिन स्मॉल कंपनी को चौथी कैटेगरी में क्यों नहीं दिखाया, स्मॉल कंपनी भी एक अलग कैटेगरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं, वो देखो तो मैं तीन कॉलम बनाता हूं यहां पे, प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का एंड वन पर्सन कंपनी का ओपीसी। इसको हम ओपीसी बोलते हैं, लेकिन ब्रैकेट में नीचे लिख देना टू बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड, बनेगी तो ये प्राइवेट की फॉर्म में ही, प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा एक चीज बताओ,
प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एक कोई भी जो कंपनी हो, अगर कोई भी हम कंपनी की बात करें, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ पहले मैं, कंपनी की फंक्शनिंग दो पार्ट में डिवाइड होती है, होती है, कोई बताएगा मेरे को दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? ऑनर्स, मैनेजमेंट। अच्छा, कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो कौन होते हैं? मैं हो, तुम हो, डायरेक्टर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं। तो ऑनर्स जब तुमसे कोई पूछे कौन है तो वो कौन है? शेयर होल्डर्स। अच्छा, तुमसे कोई पूछे कंपनी की मैनेजमेंट कौन है तो ये कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BODs लिख दिया मैंने शॉर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, क्या डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक ही बंदा हो सकता है? हो सकता है, पक्का लॉक कर दें? अच्छा, क्या डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों सेपरेट हो सकते हैं? कि मतलब वो कहता है कि मेरे को शेयर होल्डर बनना है, डायरेक्टर बनना ही नहीं है। और एक दूसरी कैटेगरी जो कहता है मेरे को डायरेक्टर बनना है, शेयर होल्डर नहीं बनना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब शेयर होल्डर और डायरेक्टर दोनों एक ही बंदे भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर डायरेक्टर अलग अलग भी हो सकते हैं। डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर बनना जरूरी नहीं है, शेयर होल्डर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है। अगर सपोज मैं हूं, मान लो मैं और मेरा एक फ्रेंड दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे, दोनों मिलके एक दुकान चला रहे थे और दोनों की पार्टनरशिप थी उसके अंदर, दोनों का मूड बना कि यार एक काम करते हैं, इसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, कंपनी की फॉर्म में लेके जाते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में बिजनेस हो जाएगा। तो दोनों ने डिसाइड करा, ठीक है। अच्छा, जब पार्टनरशिप फॉर्म थी तो पैसा हमारा लगा हुआ था, संभाल भी हम ही रहे थे, इसका मतलब मैनेजमेंट भी हमारे हाथ में थी। जब हमने कंपनी बनाई तो अब हमारे पास दो रास्ते थे, कि पैसा हम खुद लगा रहे हैं तो शेयर होल्डर तो हम खुद ही हैं, चाहे तो हम इसकी मैनेजमेंट खुद संभाल लें। अच्छा, खुद संभाल लें तो डायरेक्टर भी हम ही बनेंगे। अगर हम कहते हैं नहीं, हमें मैनेजमेंट नहीं संभालनी, हम मैनेजमेंट किसी और के हाथ में देंगे, तो मैं शेयर होल्डर हम होंगे, डायरेक्टर कोई और होगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर तुम्हें इंडिया में पता हो तो L&T है, लॉर्सन एंड ट्यूब्रो, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप की जो L&T का भी नाम सुना, L&T लॉर्सन एंड ट्यूब्रो सुना था? तो इस कंपनी के अंदर जितने भी जिसके प्रमोटर्स हैं, वो सारे के सारे, जितने भी इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर और प्रमोटर हैं, वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, कोई शेयर होल्डर है ही नहीं। और जो शेयर होल्डर है वो मैनेजमेंट में नहीं है। अभी बात करेंगे, जरूरी है कि प्रमोटर शेयर होल्डर होगा? जनरली यही कहते हैं कि प्रमोटर वो होता है जिसके पास कंपनी की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होती है, लेकिन वो एक रूट है प्रमोटर की। अगर डेफिनेशन, अच्छा फाउंडेशन प्रमोटर की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई जाती ना? पढ़ाई जाती है। तो उसमें तीन रूट थे अगर कुछ याद हो। एक वो जिसका एनुअल रिटर्न में नाम आता है, एक वो जिसके पास कंपनी का कंट्रोल है, वेदर एज अ डायरेक्टर, वेदर एज अ शेयर होल्डर और अदरवाइज। ये तीन वर्ड थे। इसका मतलब या तो शेयर होल्डिंग के रूट से प्रमोटर बन जाओ, या मैनेजमेंट के रूट से प्रमोटर बन जाओ, अदरवाइज मींस लेंडिंग रूट से। अगर आपने कंपनी को बहुत हैवी अमाउंट का लोन दे रखा और आप कंपनी के क्रेडिटर हो और आप कहते हो कि मैं इस कंपनी का क्रेडिटर हूं, मैंने इतना बड़ा पैसा दिया, इस कंपनी का कंट्रोल मैं करूंगा, तो वो अदरवाइज कैटेगरी में आ गया। तो क्या डायरेक्टर प्रमोटर नहीं बन सकता? बन सकता, बिना शेयर होल्डिंग के। यस, बन सकता। कौन से वाले? डिपेंड करता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। आने प्रमोट, तुम्हारा सब कुछ यही होना तो यही है, जाना तो हमने कहीं नहीं है। जब उसी पॉइंट पे आएंगे तब एनालिसिस करेंगे। अच्छा, इसका मतलब शेयर होल्डर और डायरेक्टर एक भी हो सकता है और शेयर होल्डर डायरेक्टर अलग अलग भी हो सकते हैं, ये बात हमें समझ आती है। लेकिन इंडिया में आप मेजरली कंसेप्ट ये देखोगे, जो शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर है। रिलायंस, मुकेश अंबानी भाई साहब, मेजर शेयर होल्डर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है। अच्छा, इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट को लाने के लिए 2013 के बाद एक कंसेप्ट लाया गया था नए वाले कंपनी एक्ट में, वुमेन डायरेक्टर। और ये मैंडेटरी कंसेप्ट था कि हर एक कंपनी के अंदर ये देखा जाता था कि टॉप लेवल पे जितने भी लोग हैं वो सब मेल हैं, फीमेल नहीं है। तो टॉप लेवल पे पहुंचाने के लिए कि फीमेल भी मैनेजमेंट लेवल पे होनी चाहिए, तो एक कंसेप्ट लाया गया था वुमेन डायरेक्टर। और वो वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी किया गया था नए वाले कंपनी एक्ट से, सारी कंपनियों के लिए नहीं, लिस्टेड कंपनियों के लिए, या वो कंपनियां जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या वो कंपनियां जिनका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। तीन कैटेगरी की कंपनियों के लिए था। लिस्टेड है तो बात ही खत्म, करनी ही है वुमेन डायरेक्टर पॉइंट। अनलिस्टेड है तो दो कैटेगरी। अच्छा, बोलूं? अच्छा, लिस्टेड है तो बात ही खत्म, अनलिस्टेड है तो दो कैटेगरी। अगर पेड अप कैपिटल कितनी है 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर कितना है 300 करोड़ या उससे ज्यादा, इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो ऐसी कंपनियों को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अच्छा, जब ये नया नया कंसेप्ट आया ना, तो लोगों ने सोचा वुमेन एम्पावरमेंट होगी, है ना, जो नई नई लड़कियां हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, बड़े बड़े सेक्टर के अंदर उनका नाम बनेगा। जितने बड़े बड़े डायरेक्टर थे अपनी बीवियों को डायरेक्टर बना दिया उस कंपनी के अंदर, तो बाहर वालों को अपॉर्चुनिटी
2000 अभी आज जाके मिनिस्ट्री का पोर्टल चेक करना, यहाँ पे नेट चल रहा है? चलता है? आज जाके मिनिस्ट्री का पोर्टल चेक करना, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये लो, अगर नेट चल रहा है, चल रहा है, ये देखो टाइपिंग कैसे होगी यहाँ पे, कीबोर्ड है नीचे, वहां पे है, तो वहां से टाइप करना पड़ेगा मेरे को जाके। यार किसी को, भैया को बुला के लाना एक, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज कि वुमेन डायरेक्टर का किस किस कंपनियों में कब कब अपॉइंटमेंट हुआ, रिलायंस में कब अपॉइंटमेंट हुआ, आज प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री की साइड से दिखाता हूँ। किसी कंपनी की डिटेल निकालनी हो मिनिस्ट्री की साइड से तो प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं दिखाता हूँ। किसी कंपनी की बैलेंस शीट निकालनी हो, तुम्हें किसी कंपनी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने से पहले हमारे इंडिया में लोग कैसे करते हैं, अच्छा तू लगा रहा है उस कंपनी में, मैं भी लगा देता हूँ, आधे लोग फुद्दू हैं यहाँ, इनको कुछ नहीं पल्ले पड़ता। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप किसी कंपनी के अंदर पैसा कब लगाओगे, जब आप उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करोगे। आप देखो उसका बैकग्राउंड, सर मेरे को ना कीबोर्ड चाहिए टाइप करना है, कुछ गूगल पे दिखाना है, इसी में बन जाएगा, इसी में आ जाएगा कीबोर्ड रखा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे आए, आने के बाद अगर कभी किसी कंपनी की डिटेल निकालनी हो तो ये तो मोदी जी हैं, इग्नोर कर दो। अच्छा इसके बाद ये देखो मास्टर डेटा दिख रहा है, इसमें जाना है व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा में। एमसीए सर्विसेज क्या है यार, व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा, और इसके अंदर यहाँ आने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिटेल निकालते हैं प्रैक्टिकली, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस ई एन, एन ही लग रहा है, गलत हो गया, एस ए आई के ई डी, ओके तो खुल गई। अच्छा अब इस कंपनी की डिटेल में देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आर ओ सी का ऑफिस मुंबई, आर ओ सी मुंबई, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा ये सबसे ऊपर जो सिन नंबर है क्या शो कर रहा है, एल वर्ड शो करता है कि कंपनी लिस्टेड है, एल वर्ड क्या शो कर रहा है कि कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद ये एम एच वर्ड क्या शो कर रहा है, महाराष्ट्र की है। 1973 क्या डिनोट कर रहा है, ये कंपनी 1973 में बनी है। पी एल सी क्या शो कर रहा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और उसके बाद क्या होता है, एक कंपनी को यूनिक कोड मिलता है वो होता है, और एक कंपनी के प्रोडक्ट की एक्टिविटी का कोड होता है, दो कोड हैं, एक आगे वाला और पीछे वाला। ये सिन पढ़ने का तरीका होता है कंपनी का, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर पढ़ने का तरीका है। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की देखना, गिन लो यार, जीरो 15 के बाद, बाद में कितना हो गया ये, कितना 10 जीरो है, 15 के बाद कितना हो गया, 150 करोड़, नहीं 1500 करोड़, 15000 करोड़, 15000 करोड़, छोटी सी कंपनी है यार बहुत। रिलायंस, अच्छा रिलायंस में तुमको मेन, तो मैंने तुम्हें क्या दिखाना है, जरा आते जाओ। अच्छा इनके, ये इनका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है कि थर्ड फ्लोर नरीमान पॉइंट मुंबई में बनी है। नीचे की तरफ आते हैं, सीधा यहाँ आओ। अच्छा ये जो ये दिख रहा है, ये जो शब्द दिख रहा है, ये एसेट्स अंडर चार्ज, ये इसका मतलब ये इस कंपनी ने लोन लिए थे, ये इन कंपनी के कर्जे हैं, है? ये चार्ज मींस कंपनी का लोन है, सिक्योर्ड लोन। और जिसके आगे एक डेट ऑफ मॉडिफिकेशन मींस कुछ पेमेंट करी होगी, कुछ करा होगा। स्टेटस के अंदर जहां पे क्लोज लिखा आ रहा है, क्लोज का मतलब है इस कंपनी ने कर्जा चुका दिया। तो जितने कर्जे ओपन दिखेंगे मिनिस्ट्री की साइट पे, अभी कुछ ओपन आ रहा है, कर्जा तो बहुत है, ये देखो ये ओपन आ रहा है। ऐसे कुछ कुछ कर्जे तुम्हारे को जो ओपन ओपन दिखते जाएंगे, इसका मतलब है रिलायंस ने अभी कर्जा चुकाना है। जहां जहां क्लोज आ गया, इसका मतलब क्या, ये सारे कर्जे इन्होंने चुका दिए। मेन सीधा नीचे आओ, काम की चीज दिखाते हैं, जो तुम्हारे को मैंने दिखानी थी, वुमेन डायरेक्टर वाली बात चल रही थी, कर्जे ही नहीं खत्म हो रहे इनके। ये देखो मुकेश धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी इस कंपनी में डायरेक्टर कब बने थे, 1/4/1977 को। अच्छा नीता अंबानी को उस टाइम नहीं बनाया, नीता अंबानी कब बनी यार, नीचे देखना यार, नीता मुकेश अंबानी 18/6/2014 को। क्यों बनाइए ये पता है, 2013 में कंपनी एक्ट आया,
1 अप्रैल 2014 से कंपनी एक्ट इफेक्टिव हुआ, तो उसके बाद से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि वुमेन डायरेक्टर को बनाना मैंडेटरी है। तो मुकेश अंबानी भाई साहब ने अपनी नीता अंबानी वाइफ को ही क्या बना दिया, कंपनी का वुमेन डायरेक्टर बना दिया। मतलब बाहर वालों को मौका नहीं दिया, अपनी ही वाइफ को क्या बना दिया, डायरेक्टर। ऐसा ये नहीं है इकलौते, जितने इंडिया कंपनी के बड़े डायरेक्टर थे उन सब ने अपनी वाइफ को ही क्या बना दिया, वुमेन डायरेक्टर। तो वुमेन को अपॉर्चुनिटी तो आज भी नहीं मिली, ले देखे समझो है उनकी सारे। हाँ हाँ, तो वो उसमें डिपेंड करता है ना कितनी सारी लिस्टेड है, कितनी का क्राइटेरिया कितना है, इंडिविजुअली चेक करोगे ना। मतलब एक ही इंसान बन सकता है ना, एक डायरेक्टर 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, एक डायरेक्टर। तो ये मुकेश अंबानी की डिटेल थी। तो अगर किसी भी कंपनी की डिटेल तुम्हारे को निकालनी हो ना कि ये कंपनी, अच्छा किसी कंपनी की बैलेंस शीट निकालनी हो, मान लो तुम्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उस कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए ताकि उस कंपनी की हम एनालाइज कर सके कि उस कंपनी ने कितना पैसा कमा रखा है। और अच्छा, एक जोमेटो का भी पब्लिक इशू आया था, जब IPO आया था ना, पब्लिक इशू, सबको पता था कि जोमेटो के फंडामेंटल्स खराब हैं, फिर भी लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया और ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लोगों के दिमाग में नाम इतना बैठ चुका है ना, अब पब्लिक का पैसा लग चुका है, 90% चांस तो ये जोमेटो डूबेगा और पब्लिक डूबेगी, क्योंकि आखिरी में होता ही है जनरल पब्लिक का चूना लगता है, इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल कर ले जाएंगे। सेम ऐसे भी बड़ी बड़ी सारी कंपनियां प्लान कर रही हैं, अभी तुम्हें पता होगा LIC वालों का भी आ रहा है, बहुत सारी कंपनियों के पब्लिक इशू प्लान हो रहे हैं। अच्छा, तो अब किसी कंपनी की, बच्चे मेरे से पूछते हैं भाई, कई बार मैसेज आता है कि रमन सर अगर किसी कंपनी का एनालाइज करना हो कि बैलेंस शीट निकालनी है और उस कंपनी को देख के पैसा लगाना है तो बैलेंस शीट कहां से निकलती है? तो ये देखो, यहां भी MCA सर्विसेज में वापस आ गए ऊपर, ये व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट का कॉलम आ रहा है, एक इधर जाना है, इधर जाने के बाद जिस कंपनी का डालना उस कंपनी का नाम डाल देना, सबमिट कर देना, 100 रुपये की फीस पे होगी, यहाँ से आपकी बैलेंस शीट डाउनलोड हो जाएगी जिस भी कंपनी की करनी हो। समझ आ गया? सिंपल तरीका। कहाँ जाओगे? MCA की साइट पे व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट वाले कॉलम में, MCA सर्विसेज के अंदर, उसमें जाने के बाद तुम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड कर सकते हो। उस कंपनी को खुद भी नहीं पता होगा हमारी कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड हो चुकी है। मतलब बैठे बैठे अगर तुम्हें मार्केट में किसी भी कंपनी की, जो तुम्हें लगता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हमें इस कंपनी की डिटेल चाहिए, तो ये इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि तुम इस साइट से जाकर उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो और उस कंपनी को पता भी नहीं लगेगा उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो चुकी है। आराम से बैठ के एनालाइज करो और उसके बाद अगर मन करे, लग रहा है बैलेंस शीट पढ़ के कि हाँ ये कंपनी में ग्रोथ हो सकती है, पैसा लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। लेकिन ना उस तरीके से मत चलो जैसे इंडिया में लोग चलते हैं, यार मेरे दोस्त ने बोला था उस कंपनी के शेयर में पैसा लगा दे, मैं भी लगा दूंगा, वो भी डूबेगा तुम भी डूबोगे, साथ जाओगे दोनों, है ना, फिर तुम्हारी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट गई। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे तो 1000-1000 रुपये मायने रखते होंगे, मम्मी पापा ने पॉकेट मनी दी है इंट। अच्छा एक चीज और, तुम लोगों ने कभी एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड होता है इन्वेस्टर, एक वर्ड होता है ट्रेडर, दोनों में फर्क होता है? क्या फर्क होता है? ट्रेडर कौन है? जो सुबह लगा रहा शाम को बेच रहा है, इंट्राडे, सुबह का शेयर खरीदा शाम को बेच दिया, जो प्रॉफिट हुआ सुबह, मान लो सुबह 100 रुपये का शेयर खरीदा शाम को 1200 का बेच दिया, 200 का प्रॉफिट, ये ट्रेडर है जो डेली बेस पे ट्रांजेक्शन कर रहा है। इन्वेस्टर कौन है? आज पैसा लगाया 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, देखेंगे ग्रोथ होगी तो निकालेंगे वरना नहीं निकालेंगे। हमेशा छोटी एज के अंदर इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर मत बनो, बेटा लूट जाओगे बहुत बुरा। तुम्हारे को खर्ची मिलती होगी 1000 रुपये महीना 2000 रुपये महीना, उसमें तुम्हारे को अपना खर्चा भी निकालना है, कईयों के कपल गोल्स भी हैं उनके लिए भी निकालना है ना, कईयों का आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी है, तो अपने खर्चे तुम्हारे पूरे नहीं हो पा रहे, खुद तुम्हारी कर्जे की जिंदगी चल रही होगी है, फिर तुम उसका कैसे उठाओगे? आओ, तो किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी हो तो यहां से निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो निकाल सकते हो। अच्छा, अगर किसी कंपनी की उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो, कुछ भी, मतलब एक बैलेंस शीट, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी की, एक मतलब एक साल की नहीं, जब से वो कंपनी बनी है पास तक की सारी निकलेंगे 100 रुपये में। मतलब मान लो कोई कंपनी 2010 में बनी है और तुम उसकी आज इंस्पेक्शन करके उसकी बैलेंस शीट निकालना चाहते हो, तुमने 100 रुपये की फीस पे कर दी, तो 3 घंटे के लिए विंडो खुलती है सिर्फ, तो आपको 3 घंटे के अंदर आप उस कंपनी की पिछले आज तक जितनी बैलेंस शीट फाइल हुई है सारी डाउनलोड कर सकते हो। मेरे हिसाब से 3 साल की बहुत है, क्या 10-10 साल कहाँ लेके बैठे रहोगे, है ना। अच्छा आओ, अच्छा वो देखने के बाद भी तो ये भी दिक्कत है कि समझ भी तो आए खाली देखने से कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट समझ भी तो आनी चाहिए।
अच्छा जोमेटो के बड़े, अच्छा उस टाइम तो कैसे बड़ा था जिस टाइम आया था? चलो कोई बात नहीं, जो एक बार इंसान थोड़ा सा ठोकर खा के सीखता है। हाँ टेस्ला की न्यूज़ आई थी, हाँ बैटरी के शेयर बढ़े थे। हाँ अच्छा उसने लिए थे, क्या बात है। अच्छा वो यार आओ देखो, तो कंपनी के अंदर मैंने बताया कि कंपनी की फंक्शनिंग दो पार्ट में डिवाइड है, किसकी? ऑनर्स और मैनेजमेंट। ऑनर्स मींस शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट मींस डायरेक्टर्स। और ऑनर और शेयर होल्डर क्या एक हो सकते हैं? सॉरी ऑनर शेयर होल्डर एक होता है, मतलब डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक हो सकते हैं? हो भी सकते हैं और मे और मे बी नॉट। अब प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं, अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम मेंबर्स, अच्छा जब मैं बोल रहा हूँ मेंबर तो शेयर होल्डर की बात हो रही है, कितने होंगे? 2। मैक्सिमम कितने होंगे? 200। ठीक है। अच्छा नीचे आते हैं, अगर इसी के अंदर अगर हम बात करें तो मिनिमम डायरेक्टर्स क्या हो गया? 3। पक्का प्राइवेट कंपनी पढ़ के आइए ढंग से। 2 मैक्सिमम 15। एसआर पास करके हो सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन अभी आगे पढ़ा पाऊंगा। पब्लिक कंपनी में आते हैं, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मिनिमम मेंबर्स, वेरी नाइस 7। मैक्सिमम? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अच्छा मिनिमम डायरेक्टर्स, अब ठीक है 3, शुक्र है। मैक्सिमम 15। अच्छा अब ओपीसी पे आते हैं, तो मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम 1, शाबाश, मैक्सिमम भी 1 मिनिमम भी 1, एक से ज्यादा हो नहीं सकता। अच्छा मिनिमम डायरेक्टर 1, मैक्सिमम 15, वेरी नाइस। इसका मतलब ओपीसी के अंदर मेंबर एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकता है। अगर नोटिस करने वाली चीज तुमने देखी हो कि डायरेक्टर की लिमिट तीनों जगह कॉमन है, 15 15 15, मैक्सिमम की और मिनिमम की सब में डिफरेंट है, 1 2 3। और फिर उसके बाद हमने मेंबर्स की बात, ये तो डायरेक्टर की थी, मेंबर्स की बात करें तो उसमें 2, उसमें 7, उसमें 1, और इसमें मैक्सिमम 200, उसमें मैक्सिमम नो लिमिट, उसके अंदर मैक्सिमम 1 ही रहेगा। हाँ तो नहीं नहीं ओपीसी के अंदर हमेशा यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है, तो वो ऑटो, अच्छा यूनानिमस इंक्लूड है सर ना? एक बात बता, यूनानिमस कितने पास होता है? 100% पे। अब वहाँ पे एक ही शेयर होल्डर है तो वो सिर्फ रेजोल्यूशन पास करेगा, वो ये तो नहीं बोल सकता कि मैं आधा पास करूंगा आधा नहीं करूंगा, या मेरी तरफ से 75% हाँ 25% ना, है ना? ओपीसी में तो क्या खेल है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, शीशे के सामने बैठ जाओ जो बोलना बोल दो वही फाइनल। यूनानिमस इंक्लूड है सर, यूनानिमस 100% है तो 75% ऑटोमेटिक कवर हो गए। हाँ भाई आए अभी मैं करेंगे बात। चलो प्राइवेट कंपनी खत्म, पब्लिक कंपनी खत्म, ओपीसी खत्म, बेस समझ आ गया। अच्छा नाम कैसे लिखेंगे इसका? इसका नाम एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम एक्स लिमिटेड, बीच में प्राइवेट नहीं आएगा। अच्छा इसका नाम एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा ओपीसी, पहचान हो जाए। अच्छा ये ना थंब रूल नहीं है कि ओपीसी राइट के एंड में ही आएगा, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एक्स प्राइवेट ओपीसी लिमिटेड, मतलब नाम में ओपीसी आना चाहिए, कहीं से भी आगे आ जाए पीछे आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कुछ लोग ना, तुमने देखे होंगे कभी बैंक गए हो सारे, कभी पापा के पास, पापा ने कभी एक चेक बना कर दिया हो, क्रॉस चेक जिसके ऊपर 2 लाइनें मारते हैं ऊपर ही, चेक के ऊपर लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब ये होता है उसका मतलब है आप एक डायरेक्शन दे रहे हो कि बैंक को कि भाई जब मैंने क्रॉस पे चेक बना दिया, अकाउंट पे चेक बना दिया, तो जिसके नाम डला हुआ है उसको कैश में पेमेंट मत देना, उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना। अगर एक चेक है और मान लो ए ने बी को चेक काट कर दिया है और ऊपर 2 क्रॉसिंग है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे और बी के अकाउंट में क्रेडिट होंगे, कैश में पेमेंट नहीं मिलेगी। और अगर वो ऊपर 2 लाइनें ना होती तो इसका मतलब क्या था, वो बंदे की मर्जी है, वो कैश पे लेना कैश में ले ले, वो कहता है मेरे बैंक में डलवाने हैं बैंक में डलवा दो, लेकिन अगर 2 लाइनें डल गई ऊपर तो वो बैंक में ही डलेंगे कैश में नहीं ले सकता। तो ना बहुत सारे लोगों ने ना रट लिया कि जो क्रॉसिंग होती है 2 लाइनें डलती है वो लेफ्ट में ही होंगी,
जब तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, तुम्हारे कोर्स में मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे लिखा हुआ है ऑन द फेस ऑफ इट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑन द फेस ऑफ इट। क्या तुम राइट साइड पे दो में बना सकते हो? यस। क्या तुम नीचे की तरफ दो लाइनें बना सकते हो? तुमने देखा कुछ लोग नीचे की तरफ बनाते हैं, बीच की तरफ, नीचे की तरफ दो लाइनें। हाँ, अब ऐसा मत कर देना कि बीच की यूं ही काट दो, पूरा माउंट ही उड़ा दो लाइनें मार के, है ना। मतलब एक्चुअल में लेफ्ट साइड लोग पता क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि सबसे साफ सुथरी खाली जगह वही होती है। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग अच्छा नीचे साइन हो रहे हैं वहीं पे दो लाइनें मार दी, साइन ही उड़ा दिए बंदे के, ऐसी हरकत नहीं करनी। मगर लॉ कहता है कि आप ऑन द फेस ऑफ इट चेक के फेस पे कहीं पे भी दो लाइनें बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हारे को ना स्टार्ट कर रहा हूं और एनालिसिस होने वाला बहुत तगड़ा और कईयों के ऊपर से बातें जाने वाली हैं, तो अब सुनते चलना वरना तुम मेरे को घूरोगे। हाँ, स्मॉल में भी आया, ओपीसी में भी आया, दोनों की लिमिट में चेंज हो गया, करेंगे बात। देखो भाई, द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द काइंड्स ऑफ कंपनीज, सुनते चलना, दैट कैन बी प्रमोटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ कंपनीज विच में बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट आर, पहला प्राइवेट कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी, थर्ड वन पर्सन कंपनी टू बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका लॉजिक बताता हूँ कि इसकी कैटेगरी तीसरी क्यों बनी अलग। अच्छा, स्मॉल कंपनी जो होती है ना, जब आप इंडिया में स्मॉल कंपनी बनाते हो तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होती और उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता, यही पढ़ा था। अब वो 50 लाख की लिमिट चेंज होकर हो गई है 2 करोड़ और टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ चेंज हो गई है 20 करोड़। तो आज की डेट में अगर तुमसे कोई स्मॉल कंपनी पूछे तो स्मॉल कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती और जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता। अब यहीं रुक जाओ। जब आप इंडिया में स्मॉल कंपनी बना रहे हो तो वो स्मॉल नहीं बन रही है, एक्चुअल में आप इंडिया में नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जब बनाते हो और अगर उसका टर्नओवर पेड अप लिमिट के अंदर है तो वो ऑटोमेटिक स्मॉल ही ट्रीट होगी। लेकिन ओपीसी कभी ऑटोमेटिक ट्रीट नहीं होती, उसको अलग से ओपीसी के नाम से बनवाना पड़ता है, क्योंकि ओपीसी के अंदर मिनिमम एक मेंबर होता है, स्मॉल कंपनी के अंदर मिनिमम दो मेंबर होते हैं। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की तरह ही वो है, वो नॉर्मल तरह नहीं है, वो है ही नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। इसको ऐसे समझो कि जब आप इंडिया में नॉर्मली प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, मान लो मैंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, 1 लाख की पेड अप कैपिटल रखी, उसका पूरे साल में टर्नओवर 1 करोड़ आया, तो मैंने नॉर्मल प्राइवेट बनाई थी ना, तो वो ऑटोमेटिक स्मॉल ट्रीट हो रही है और मेरे को स्मॉल वाले फायदे मिलेंगे। जैसे ही मैं 2 करोड़ का क्राइटेरिया एक्सीड कर दूंगा, पेड अप वाला या टर्नओवर का 20 वाला एक्सीड कर दूंगा, तो वो मेरे को कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली किससे बाहर हो जाएगी? स्मॉल कैटेगरी की कंपनी से बाहर हो जाएगी। और अच्छा, इसका मतलब वो कोई वायलेशन नहीं है कि मैंने लॉ तोड़ दिया, बस जो स्मॉल कंपनी के बेनिफिट्स मिल रहे थे ना मेरे को, वो सब मिलने बंद हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि वो कंपनी अपने आप में जो स्मॉल कंपनी है उसको हम अलग ट्रीट क्यों नहीं कर रहे, तीसरी कैटेगरी क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उसको बनाने के लिए कोई अलग प्रोविजन फॉलो नहीं करने हैं, वो नॉर्मल कंपनी ही है। लेकिन क्या ओपीसी को बनाने के लिए अलग से प्रोविजन फॉलो करने हैं? यस, इसमें वो 2 वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसमें 1 वाला कंसेप्ट लगेगा। इसका बनाने के फॉर्म भी डिफरेंट हैं, इसमें एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब ओपीसी का सारा प्रोसीजर ही डिफरेंट है, इसलिए इसको तीसरी कैटेगरी मान लिया। लेकिन स्मॉल कंपनी को अलग कैटेगरी क्यों नहीं माना? क्योंकि वो एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, जब तक उसकी लिमिट के दायरे के अंदर रहेगी तब तक वो स्मॉल कंपनी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी दोनों रहेगी। जैसे वो लिमिट के दायरे से बाहर हो जाएगी, वो मेन मतलब कह सकते हैं बिग कंपनी में आ जाएगी और उसको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे, उसको अलग से कुछ कन्वर्जन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। बात समझ आती है? इसलिए वो चौथी कैटेगरी नहीं बनी। लेकिन अब तो एनालिसिस स्टार्ट होगा, बाकी और डिटेल में बात होगी। देखो, सेक्शन 3(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट दैट, यहीं रुक जाना, अ कंपनी, अच्छा वर्ड क्या आ रहा है, अ कंपनी, अच्छा जब पूरे कंपनी एक्ट में कंपनी वर्ड पढ़ो तो कंपनी वर्ड कहां डिफाइन था? सेक्शन 2(20) में पढ़ा था फाउंडेशन में, वहां पे लिखा हुआ था कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी, कंपनी मींस इंडियन कंपनी। तो जहां पे जब हम वर्ड आ कंपनी आ रहा है तो क्या फॉरेन कंपनी भी क्या बात हो रही है, खाली इंडियन कंपनी की बात हो रही है? इंडियन कंपनी की बात हो रही है, फॉरेन कंपनी की बात नहीं हो रही। अच्छा, यहां पे वर्ड आ रहा है मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, इसी लाइन में एनालिसिस है, अभी 15-20 मिनट लगेंगे, By 7 or more person where the company to be formed is to public company, बहुत सिंपल है। एक पब्लिक बनाने तो कितने बंदे चाहिए? 7 या 7 से ज्यादा। 2 or more person where the company to be formed is to be a private company, private बनाने तो कितने बंदे चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। 1 person where the company to be formed is to be a 1 person company, OPC बनाने तो कितने बंदे चाहिए? 1 बंदा चाहिए। आगे देखो, that is to say a private company by subscribing their names or his name, यहीं रुक जाओ।
जब एक कंपनी बनती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी में दो चीजें होती हैं, एक एमओए एक एओए। क्या होता है वो? शाबाश शाबाश। एमओए मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए में रूल्स नहीं होते, एमओए में रूल्स नहीं होते, एमओए में एक्सटर्नल रूल्स होते हैं, एओए में इंटरनल रूल्स होते हैं। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का काम क्या होगा, कंपनी की फंक्शनिंग क्या होगी, वो सब एमओए में लिखी है। कंपनी इंटरनली चलेगी कैसे, वो सब कहाँ लिखा हुआ है? एओए में। तो होता क्या है, काम मतलब ऑब्जेक्ट। हाँ वैसे मैंने अभी बोला कंपनी का नाम क्या होगा, काम क्या होगा, वो सब एमओए में लिखा। तो काम मींस। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैंने तुम्हें बताया कि कंपनी का नाम काम सब एमओए में लिखा होता है। कंपनी हमने बनाई, उसका एमओए बनाया, तो उसमें एक क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि कंपनी बनते के टाइम पे किस किस शेयर होल्डर ने कितने कितने शेयर सब्सक्राइब करे हैं। मान लो अगर इस लड़की ने और इस लड़की ने मिलकर कंपनी बनाई, इन्होंने 10,000 शेयर रखे उस कंपनी के अंदर एट रुपीज 10 ईच, तो 10,000 इंटू में 10 कंपनी कैपिटल कितने की हो गई, 1,00,000 की। अच्छा 10,000 शेयर में से 5,000 शेयर इस लड़की ने ले लिए, 5,000 शेयर उस लड़की ने ले लिए, दोनों ने ले लिए। तो जब कंपनी बनेगी तो जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज है इसमें इन दोनों का नाम आएगा, इनके नाम के आगे दोनों के 5,000 शेयर लिखे आएंगे, उसके आगे अमाउंट आएगा और उसके आगे इनके सिग्नेचर करा दिए जाएंगे, खत्म। अब एक बार जब कंपनी बन गई तो उसके बाद कोई नया शेयर होल्डर इस कंपनी बनना चाहता तो उसका नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज में नहीं आता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सिर्फ किन लोगों का नाम आता है, जो कंपनी बनते के टाइम पे शेयर होल्डर थे। कंपनी बनने के बाद अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो नॉर्मल वही एप्लीकेशन लगाओगे, अलॉटमेंट होगी, वो सारा प्रोसेस चलेगा, जैसे अकाउंट्स में पढ़ते हो, अप्लाई करा, अलॉटमेंट हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी ऑल्टर ही नहीं होता, सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी ऑल्टर नहीं होता। अगर ये शेयर होल्डर कल को अपने शेयर बेच के भी चले जाएंगे, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में तो नाम इन्हीं का रहेगा, क्योंकि उधर उन शेयर होल्डर का नाम आता है जिन्होंने कंपनी बनते के टाइम पे सब्सक्राइब करे थे। ये बात समझ आती है? वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर से कटेगा अंदर से। जब कंपनी बनती है तो आज भी तेरे को अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट एमओए डाउनलोड करना हो, वही व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट से होगा। तो जब तू जाके देखेगा तेरे को ऐसे ऐसे डायरेक्टर दिखेंगे, शेयर होल्डर दिखेंगे, जो उस कंपनी में शेयर होल्डर अब नहीं है लेकिन उनका सब्सक्रिप्शन क्लॉज में नाम है। लेकिन उनकी पहचान कैसे होगी? कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है कंपनी बनने के बाद, तो उसमें उन दोनों का नाम चढ़ जाएगा, उसके बाद जितने नए बनते जाएंगे उनका भी नाम चढ़ता जाएगा, जो जो जाते जाएंगे उनका नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर से कटता जाएगा। लेकिन बनते के टाइम पे तो वो दो थे ना, तो उनका नाम वहां दिखेगा, विजिबल रहेगा हमेशा। तो मैं कह सकता हूं कि जनरली एमओए के सारे क्लॉजेस ऑल्टर होते होंगे, किस क्लॉज को छोड़ के? सब्सक्रिप्शन क्लॉज को छोड़ के। अच्छा कैपिटल क्लॉज ऑल्टर होता होगा? बिल्कुल होता होगा, कैपिटल बढ़ानी है घटानी है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑल्टर होता होगा? कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली से पंजाब शिफ्ट कर रही है तो क्या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑल्टर होगा? बिल्कुल होगा। नेम क्लॉज ऑल्टर हो सकता है? कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है? कर सकती है। अच्छा तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम और हिज नेम। ये देयर नेम ऊपर वाले दो वर्डों के लिए आ रहा है, ऊपर वाले दो पॉइंट के लिए, और हिज नेम थर्ड वाले पॉइंट के लिए आ रहा है। समझ आया फर्क क्या है? लिखा है कि कंपनी बनते के टाइम पे पब्लिक कंपनी में 7 लोग सब्सक्राइब करेंगे कम से कम, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। तो यहाँ पे लिखा बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम और हिज नेम, तो देयर नेम ऊपर वाले दो पॉइंट्स के लिए आ रहा है, 7 और मोर और 2 और मोर। हिज नेम किसके लिए आ रहा है? 1% के लिए आ रहा है, क्योंकि वो अकेला हो गया। हिज नेम टू अ मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब एक क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुनना। यहां पे क्या लिखा है? अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड, मे बी फॉर्म्ड। इसका मतलब ये कह रहा है, ये जो लिमिट होती है कि प्राइवेट में मिनिमम 2 होने चाहिए, पब्लिक में मिनिमम 7 होने चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जिस टाइम कंपनी बनाई उस टाइम में तो मैंने 7 मेंबर रखे पब्लिक में, 2 महीने बाद मैंने 5 कर दिए, गिरा दिए, गिरा दूं? ऑटोमेटिक तो वो तो वायलेशन हो जाएगी, मैं गिरा दूं? क्योंकि यहां पे तो ये लिखा है, क्या पूरी लाइन में ये लिखा है फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड, या खाली फॉर्म लिखा है? मतलब बनानी इतने से, ये कहां कह रहा है चलानी भी इतने से? लिमिट गिरा दें, 7 से 5 कर दें, 4 कर दें, प्राइवेट में 2 से 1 कर दें? क्यों? वहां तो वर्ड हो रहा है फॉर्म्ड, यहां ये थोड़ी लिखा फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड,
ये कह रहा है बनानी इतने से है, ये कहा लिखा चलानी भी इतने से है। तो मेरी बात ही नहीं समझी फिर इसका मतलब शब्द क्या है। तो कह रहा है बनानी इतने से है, ये कहा लिखा फॉर्म एंड कंटिन्यूड कि चलानी भी इतने से है। मैं कह रहा हूं मैं बनाऊंगा इतने से ही, बाद में गिरा दूंगा। देखो दो तरीके की इंटरप्रिटेशन होती है, सुनते चलना ध्यान से। एक होती है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, एक होती है लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल का मतलब होता है जो लिखा है वही मान लो, इसके अलावा अपना दिमाग मत चलाओ। लॉजिकल का मतलब होता है कि लॉ मेकर की फीलिंग समझने की कोशिश करो और शब्दों के पीछे जाकर उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करो। अच्छा, लॉ मेकर ने अगर ये कंसेप्ट रखा है कि एक कंपनी इतने बंदों से बनानी है, तो उसका ये मानना होगा कि इस कंपनी को चलाने के लिए हमेशा कम से कम इतने बंदे चाहिए। तो यहां पे लिखा नहीं है फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड, लेकिन ये इंप्लाइड है कि ये फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड है। तो बनानी भी इतने से और मेंटेन भी इतने करने हैं। तो लेकिन तुमसे आज के बाद कोई पूछ ले कि सर क्या बनानी इतने से चलानी भी इतने, तुम क्या बोलोगे? सर लॉजिकली यस, लिटरली नो, टू वे आंसर दोगे। लॉजिकली यस, लिटरली नो। लॉजिकली क्यों? क्योंकि अगर लॉ मेकर ने एक कंडीशन रखी है, लिमिट रखी है, तो कुछ सोच के रखी होगी कि इतने बंदों के बिना कंपनी नहीं चल पाएगी। लेकिन लिटरली, लिटरल मीन्स एज इट इज, लिटरली पढ़े तो कहीं पे भी नहीं लिखा फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड, खाली क्या लिखा है फॉर्म्ड। अभी नहीं ले सकते, अभी आगे दिखाऊंगा क्यों नहीं ले सकते अभी। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है मे, नहीं रुक जाओ। अच्छा मे मीन्स ऑप्शनल, शैल मीन्स मैंडेटरी। ये कह रहा है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉम्पैक्ट 2013 स्टेट दैट अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। लॉफुल के साथ क्या लिखा है? मे बी फॉर्म। मे को पढ़ के तो ये लग रहा है कि यहां चाहे तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो लॉफुल के लिए बनाओ, चाहे तो शैल बी फॉर्म थोड़ी लिखा है। तो क्या मैं इंडिया में अनलॉफुल पर्पस के लिए बना लूं कंपनी? नहीं बना सकता। सो हेयर मे शैल बी रीड एज शैल। यहां पे मे को क्या पढ़ेंगे? ये लॉ पढ़ने की स्किल है, ये चीज हमेशा याद रखना। कई बार ऐसा होगा जहां पे मे को शैल पढ़ते हैं, शैल को मे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक और लेके बात करता हूं। किसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि इस जज को 10 साल की सजा देनी है उस बंदे को अगर गुनाह करा है, वहां पे शैल लिखा है, तो वो ऑटोमेटिक शैल मे ट्रीट होगा। आप जज को फोर्स नहीं कर सकते। अगर जज 10 की ना देकर 5 की देना चाहे तो दे सकता है। तो वहां पे हम शैल को क्या मान रहे हैं? मे। यहां पे हम मे को क्या मान रहे हैं? ठीक है, पक्का? दिमाग पर जोर तो नहीं पड़ा? अच्छा, इसका मतलब ये कि जो कंपनी हमने दो लाइन, एक ही लाइन पढ़ी अभी तक मैंने, और तुम फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, मैं तुम्हें पहले बोला तुम्हारे साथ हाथ से होंगे। पहली बात यहां पे हेयर मे शैल बी रीड एज शैल। दूसरी बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शैल, क्योंकि अगर मे को मे पढ़ लिया तो लॉफुल के साथ अनलॉफुल भी जुड़ जाएगा, और इंडिया में इलीगल काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही मना करता है, संविधान ही मना करता है, और हमारा कोई भी लॉ इंडिया में भारत के संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो हेयर मे शैल बी रीड एज शैल, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड का क्या आंसर निकाला हमने? कि सर फॉर्म के साथ कंटिन्यूड लिखा नहीं है, लेकिन दो इंटरप्रिटेशन निकालेंगे हम, लॉजिकल और लिटरल। लॉजिकल पढ़ेंगे तो कि अगर बनाई उसने किसी सोच से रखी है लिमिट, तो चलानी भी इतने से, लॉजिकली आंसर यस, तो ये फॉर्म भी और कंटिन्यू भी है। लिटरली आंसर नो। पक्का? पक्का लॉक कर दें? ठीक, आगे बढ़े। चलो, और ये वो चीज है जो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम फाउंडेशन में सीख के आए हो। तुम्हारे टीचर ने, मुझे लगता है, ऐसी पढ़ा दी होगी लाइन, सिखाई थी किसी ने? जितने बच्चे फाउंडेशन पढ़ गए हैं, कितने बच्चे पढ़ गए हैं, उनके टीचर ने सिखाई थी ये लाइन ऐसे पढ़नी है? नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में तो होता ही है, तुम पढ़ते कुछ और, एनालाइज कुछ और करना है। एक सेक्शन को लेकर दो वकील लड़ रहे हैं, हर वकील अपनी इंटरप्रिटेशन निकालता है, एक वकील उसी सेक्शन में हार जाता है, एक वकील उसी सेक्शन में जीत जाता है। ये तो तुम्हारी कला है, तुम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो। सेक्शन तो वही लिखा है, पढ़ने का तरीका दोनों का अलग है। तो इंडिया में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, उन सबका भी पढ़ाने का तरीका अलग है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारे टीचर बुरे होंगे, है क्या पता उन्होंने कोई ऐसी किस चीज सिखाई जो मेरे को ना आती हो, या कुछ ऐसा मैं सिखा रहा हूं जो उन्हें ना आता हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा, यहां खत्म होने के बाद अभी हमारा सिर्फ पहला पैराग्राफ खत्म हुआ है। इस पैराग्राफ का एनालिसिस खत्म हो गया, किसी को यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ जाए, नीचे आते हैं।
कह रहा है इंडिया में कंपनियां तीन तरीके की होती हैं, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स, या लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड कंपनी। तीनों आप लोग पढ़ के आए होंगे, ये मैंने पिछले चैप्टर में सिखा भी दी थी। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है कि शेयर होल्डर सिर्फ उतना पैसा चुकाएगा जितना उसके शेयर पे अनपेड रह गया है। अगर उसके शेयर फुली पेड अप है तो उसकी लाइबिलिटी जीरो है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है कंपनी बनते के टाइम पे एक मेंबर ने जितने की गारंटी दी है वो उतना ही पैसा चुकाएगा, उससे ज्यादा पैसा नहीं चुकाएगा। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उसके पर्सनल एसेट तक बिकवाए जा सकते हैं। ये आपको पता है। अब खेल चालू होने वाला है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिख रहा है तुम्हारे को, ये मेरे सेक्शन थ्री है, दिख रहा है? इतना सा पैराग्राफ है, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात लाइनों का है। मैंने बताया था उस दिन। हाँ, एक ही सबसे बड़ा पॉइंट है, इजीली ऑब्टेनिंग लोन्स। वो इधर भी आएगा, लिमिटेड को अनलिमिटेड से कंपेयर कर ले तब भी ये ज्यादा बढ़िया है। लिमिटेड कंपनी को इजीली लोन मिल जाएगा ज्यादा बड़ा, या अनलिमिटेड को ज्यादा बड़ा मिल जाएगा, क्योंकि गुडविल का फर्क यहाँ ज्यादा है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अच्छा सुनो, पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस पैराग्राफ को पढ़ लो, जितना जोर लगा सकते हो लगा लो, फिर उसके बाद आधा घंटा मैं लगाऊंगा सिर्फ इस लाइन पे, आधा घंटा पक्का, ये वादा है मेरा। और मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर पेपर में केस लिख लो, इसके ऊपर पिछले अटेम्प्ट में 6 नंबर का आया था, सीए इंटर में उससे पिछले अटेम्प्ट में 5 नंबर का आया था, सिर्फ इस पैराग्राफ पे। केस स्टडी आती है इस पेपर के अंदर, पेपर में इस पैराग्राफ पे केस स्टडी आती है सिर्फ। लिख लो, आ सकता नहीं है आएगा, आ सकता नहीं है आएगा। अच्छा जब मैं बोलता हूं आएगा तो ये नहीं है कि सही में आएगा, कहीं मेरे ऊपर केस कर दो, मेरे आएगा का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो पांच मिनट का टाइम है, लगा लो जोर जितना लगा सकते, पढ़ो और पढ़ के समझाओ क्या कहता है पैराग्राफ। मैं ठीक कर रहा हूं भाई। और ये नया सेक्शन नहीं है कोई, मतलब इन द सेंस कि ज्यादा पुराना नहीं है, 2017 में ऐड हुआ है अमेंडमेंट के थ्रू। पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, तब भी बता दो, सर मैं बता दूंगी, है बता दे फिर। अच्छा तुम्हें पता है क्या हुआ, जब नया नया कंपनी एक्ट आया ना, ये वाला ऐसा नहीं है प्रोविजन नया ऐड हुआ है, ये पुराने वाले कंपनी एक्ट 1956 में भी था। जब नया कंपनी एक्ट बना जल्दी में बना, तो ये डाल दिए, सोचना बाद में याद आया अच्छा हम तो डालना ही भूल गए, तो 2017 में इन्होंने दोबारा सेक्शन को ऐड करा लिफ्टिंग ऑफ। तूने देखा भी होगा स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन वाले जो ऊपर पॉइंट है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से पहले, उसमें सेक्शन 3 ए कवर था, मैंने बताया भी था उसी का पार्ट है, पर मैंने बोला भी था कि मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन 3 और 77, ये 3 ए वाला है। हाँ मेरे भाई कोई बता रहा था, बता। अच्छा तू ही बता रहा था, कौन बता रहा था, आवाज आई थी कहीं से सर? कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकारी में बात होना, किसी की जानकारी में बात होना, अवेयर कह लो, कॉग्निजेंट मीन्स जानकारी में बात होना। कब? 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, मतलब ये लिटरल इंटरप्रिटेशन थी। अब लॉजिकल पे आएंगे, अभी खेलेंगे ना इसमें। अभी लिटरली भाई ने सही बोला, लिटरली अगर आप एनालिसिस देखें तो उसने सही इंटरप्रिटेशन करी है। कुछ शब्दों को तोड़ेंगे, फिर कुछ एग्जांपल समझेंगे किस तरीके से इसमें पेपर में केस बन सकता है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करें या कोई और बच्चे के दिल में कुछ है, मैं भी समझाना है। सब यही बोलेंगे लिटरल। चलो आओ फिर हम समझते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम बोलते हैं कि एक कंपनी के अंदर 5 डायरेक्टर हैं, मान लो अगर हम बोलते हैं कि उस 5 डायरेक्टर में से 3 डायरेक्टर कम हो गए, तो इसका मतलब यह है कि वो 3 डायरेक्टर चले ही गए, कंपनी में डायरेक्टर कितने रह गए? 2। लेकिन एक दिक्कत यह है कि अगर मान लो एक कंपनी में 7 शेयर होल्डर हैं और 7 शेयर होल्डर में से हम ये कहते हैं कि 3 कम हो गए, तो वो 3 कम होने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने शेयर किसी बाहर वाले को नहीं बेचे। क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई 3 शेयर होल्डर अपने शेयर सारे के सारे किसी और को बेच के चले जाएंगे, तो ये 3 बाहर हो जाएंगे, तो 3 नए आ जाएंगे, तो फिर तो लिमिट कम होगी नहीं। इसका मतलब होता क्या होगा कि अगर 7 शेयर होल्डर हैं और उसमें 3 या 4 कम हो रहे हैं, तो वो अपने शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेच के जा रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग होता पहले से ही है कंपनी के अंदर, और उनको नए शेयर और मिल गए, तो शेयर होल्डर थोड़ी बढ़ गए, सिर्फ उनके पास शेयर बढ़ गए लेकिन शेयर होल्डर कम हो गए। लेकिन अगर वो 3 शेयर होल्डर अपने शेयर किसी बाहर वाले 3 नए लोगों को बेच जाते तो क्या होता? तो शेयर होल्डर कम होते ही नहीं, 3 जाते 3 आ जाते। ये तक बात समझ आती है? तो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ हो क्या रहा है प्रॉपर 1 बाय 1, और पेपर में किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। आंसर तुम दोगे मेरे को, ठीक है? जरा देखो, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 7, ठीक। मान लो इसमें से 7 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 मेंबर हैं, मिनिमम 7 चाहिए थे, ये 7 मेंबर्स हैं, इस कंपनी के 7 मेंबर हैं। अच्छा मेरे कहने की सेंस ये थी कि अगर ये तीनों अपने शेयर्स किसी मान लो एक्स वाई जेड को सेल करते तो कुछ फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, 3 जाते 3 आ जाते, कोई फर्क नहीं था। लेकिन अगर ये, इसका मतलब ये कि लिमिट कम कब होती होगी? जब ये अपने शेयर किसी बाहर वाले को नहीं बेच रहे, इन चारों को ही बेच के जा रहे हैं, कोई बेच के जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इनके शेयर तो इनके पास चले जाएंगे, तो इनके शेयर बढ़ गए लेकिन शेयर होल्डर तो कंपनी में खाली कितने रह गए? 4 ही रह गए। तो इसका मतलब कहने की सेंस ये है कि जब हम बोलते हैं कि शेयर होल्डर कम हो गए, तो शेयर होल्डर कम कब होते हैं समझ आ गया ना, कि वो बाहर वालों को नहीं बेच रहे, वो एग्जिस्टिंग वालों को ही बेच के जा रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि बाहर वालों को बेच रहे हैं कि तीनों ने मिलकर किसी एक बंदे को बेच दिया बाहर वाले को, तो बाहर से नया बंदा तो खाली एक ही ऐड हुआ और गए कितने? 3। ऐसा भी हो सकता है। अब सुनते चलना हुआ क्या, मान लो जब इस कंपनी के अंदर 7 मेंबर थे, मान लेते हैं कि ये 3 मेंबर इस कंपनी से गए हैं 5/5/2021 को, ये 3 मेंबर इस कंपनी से गए हैं, ये तीनों ने अपने शेयर सेल करे हैं, कब? 5/5/2021 को। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इन्होंने इनको नहीं बेचे, इन्होंने किनको बेचे शेयर्स? ऊपर वालों को। इन्होंने शेयर सेल करे हैं अपने, लिख देते हैं किसको, ए बी सी डी को, इन सबको बेचे हैं इन्होंने अपने शेयर्स, ठीक है? कब बेचे हैं? 5/5/2021 को। अच्छा इन्होंने 5/5/2021 को बेचे, मान लो इस कंपनी ने एक्स लिमिटेड ने 1/1/2021 को मार्केट से एक लोन लिया था 1 करोड़ रुपए का कंपनी के बिहाफ पे, कब लिया था? 1/1/2021 को। इसका मतलब जिस टाइम लोन लिया गया था उस टाइम पे 7 के 7 मेंबर कंपनी में थे, अभी तक तो वो नहीं गए। मान लेते हैं इस कंपनी के अंदर ये 5/5 को ये लोग चले गए, इस कंपनी ने, ये है फर्स्ट लोन, कंपनी का फर्स्ट लोन है, मान लेते हैं इस कंपनी ने एक सेकंड लोन लिया और वो इस कंपनी ने लिया है मान लेते हैं 7/5/2021 को, मतलब उनके जाने के 2 दिन बाद, और ये जो इन्होंने लोन लिया मान लेते हैं ये लिया 50 लाख का, तो ये सेकंड लोन हो गया कंपनी का, पहला लोन 1 करोड़ का, लेकिन जब पहला लोन लिया गया था
उस टाइम पे कंपनी में सातों मेंबर थे। सेकंड लोन कितने का लिया गया? 50 लाख का। लेकिन जब लिया गया सेकंड लोन, तो उस टाइम पे कितने मेंबर जा चुके हैं? 3 जा चुके हैं, कंपनी में 4 ही मेंबर हैं। अब क्या हुआ, मान लेते हैं इस कंपनी ने एक थर्ड लोन और लिया और अभी तक इनके मेंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं, और इस कंपनी ने जो थर्ड लोन लिया वो लिया है 12/12/2021 को, वो लिया इन्होंने 2 करोड़ का। अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि ये वाला लोन उनके जाने के आफ्टर 6 मंथ्स है, ये 12/12/2021 वाला 6 महीने के बाद का है। तो यहाँ पर 3 तरीके के लोन हो गए, एक वो लोन जब सारे थे, एक उनके जाने के बाद उस 6 महीने के गैप के बीच में लिया गया, और एक 6 महीने का गैप एंड होने के बाद लिया गया। तो अगर मैं तुमसे बात करूँ तो इस कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटी है वो कितनी है? 2, 1, 50। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लोन तीनों के तीनों कंपनी के नाम पे लिए गए हैं, तो टोटल लाइबिलिटी कंपनी की कितनी आ रही है? 3.5 करोड़। ये कैसे निकल के आई है तुम्हें पता आ गया? 1+0.5+2 करोड़। तो ये ऐसे निकल के आया हमारा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, तुम लोगों ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल सबने पढ़ा है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में आपने ये पढ़ा है कि नॉर्मली कंपनी के बिहाफ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं जनरली कंपनी ही लायबल होती है, लेकिन अगर कोई भी फ्रॉड किया जाएगा तो उस केस में कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करके अंदर के बंदों को पर्सनली लायबल ठहरा दिया जाएगा। और ये जो सेक्शन है ना वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पे ही बेस्ड है, ये सेक्शन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पे ही बेस्ड है। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, ये सुनते चलना, मैं लाइन को समझा रहा हूं। कहता है इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, अच्छा अ कंपनी मींस पहली बात तो इंडियन कंपनी प्लस प्राइवेट पब्लिक बोथ, ऐसा तो नहीं बताया अ प्राइवेट कंपनी, ऐसा भी नहीं बोला अ पब्लिक कंपनी, सिर्फ क्या लिखा है अ कंपनी, तो मतलब दोनों आ गई, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बिलो 7 एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2 एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, यहां पर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जैक्ट 6 मंथ्स तक कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने 1 दिन पे दिक्कत है, मोर देन 6 मंथ्स डॉट 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स वाइल द नंबर ऑफ मेंबर इज सो रिड्यूस्ड, मतलब लिमिट गिर चुकी है, तब भी वो लोग 6 महीने से ज्यादा से उनको हो गए हैं काम करते हुए। एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम को किससे लिंक करोगे? मोर देन 6 मंथ्स से, कि 6 महीने के बाद जितने भी लोग थे ड्यूरिंग द टाइम वो सब क्या होंगे? ड्यूरिंग द टाइम दैट इट्स सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ्स एंड इज कॉग्नाइजेड, कॉग्नाइजेड मीन्स अवेयर, जो मैं बता रहा था तुम्हें जानकारी में बात होना, एंड इज कॉग्नाइजेड ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद द लेस देन 7 मेंबर 2 मेंबर एज द केस में बी शेल बी सेवरली लाइबल, सेवरली मीन्स इंडिविजुअली पर्सनली, पर्सनली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेट्स, शब्द इंपॉर्टेंट है होल डेट्स ऑफ द कंपनी कनेक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मे बी सेवरली सूड देयर फॉर। मेरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जो 4 मेंबर बचे हैं कंपनी के अंदर, ये कितने कर्जे के लिए पर्सनली लाइबल होंगे? कितने कहते हैं कि सर पूरे 3.5 करोड़ के लिए क्योंकि होल्ड डेट लिखा है, कितने कहते हैं कि सर उस 1 करोड़ को तो मत लो, एक ही जो 50 लाख लिए गए उनके जाने के बाद वाले, वो वाले जो इनके पीछे गैर हाजिरी में लिए गए हैं, और 2 करोड़ बाद वाले, कितने कहते हैं? 2.5 करोड़, 1, 2, 3, 4, 5। कितने कहते हैं कि सर खाली 6 महीने के बाद वाले, 2 करोड़ ओनली, 2, 3, बाकी बीच वाले ना इधर वाले ना उधर वाले, 2 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 3.5 करोड़। वापिस हाथ खड़े करो, तुम्हारे को ना खुद ही नहीं पता तुम बोल क्या रहे हो। 2 वाले कितने हैं? 2 करोड़ वाले, 1, 2, 3, 4, 5। 2.5 करोड़ वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
3.5 करोड़ वाले, बीच वाले दो ही रहेगा तुम। जितने बच्चे 2.5 करोड़ बोल रहे हैं ना, सबके अंग्रेजी में हार्ट टाइट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो देखो, पहले शब्द क्या था, इनको बिजनेस करते हुए कितना टाइम हो गया, मोर देन, क्या डॉट 6 महीने तक कोई दिक्कत है? नहीं। कहते हैं वो सारे, अब मैंने ना उस जान कल लाइन को मैंने फोकस ही नहीं करा उस टाइम पे, वो होल डेट्स के लिए लाइबल होंगे ऑफ द कंपनी कनेक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। ही रुक जाओ, दैट टाइम को किससे लिंक करोगे, मोर देन 6 मंथ्स, दैट टाइम को किससे लिंक करोगे, मोर देन, दैट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्स, मोर देन 6 मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 6 महीने से ऊपर वाले कर्जों के लिए वो लोग क्या है, पर्सनली लायबल है, जो 6 महीने के बीच में लिए गए और जो स्टार्टिंग में जब सब थे तब लिए गए, उनके लिए कंपनी ही चुकाएगी अपने फंड से। लेकिन जो बाद वाला कर्जा 6 महीने के ऊपर वाला, वो कंपनी नहीं चुकाएगी, वो ये लोग अपनी जेब से चुकाएंगे पर्सनली, ये लोग अपनी पर्सनल लायबल होंगे। तो अब आंसर खत्म हो गया, तो आंसर में क्या, कितने की लायबिलिटी होगी फिर, 2 करोड़। ले देखे जितने बच्चों का आंसर 2 करोड़ था, बिल्कुल ठीक था। तो 2 करोड़ का जो पैसा है उसके लिए ये लोग पर्सनली लायबल हैं, लेकिन बाकियों के लिए पर्सनली लायबल नहीं। अब इसमें भी एक और एनालिसिस है जो मैं नहीं बताया, ये शब्द था कॉग्नाइजेंट। अच्छा, अब इंडिया में बहुत सारे डायरेक्टर शेयर होल्डर ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, मतलब वो किसी CACS के ऑफिस में गए, उन्होंने उनको जाके बोला कि मेरे को पैसे ठिकाने लगाने हैं, मेरे पे पैसा बहुत है। तो मैं पता होगा जब यहाँ से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाओ तो जितने भी जाट गुजर हैं यहाँ पे, इन लोगों को मुआवजा मिला था, सरकार ने उनकी लैंड एक्वायर कर ली थी तो उनके खेतों का मुआवजा मिला था, पता है बात। अब पैसा इनको बहुत मिला था उस टाइम के ऊपर, तो ये करेंगे क्या उस पैसे का, तो ये लोग किसी CACS के फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने गए होंगे कि हम इस पैसे का करें क्या, ठिकाने क्या लगाना बताओ। तो उस टाइम पर इन लोगों की कंपनियाँ बनवाई गई थी। अब इन बेचारों को तो रूल वूल पता ही कुछ नहीं, और इतना इन पर टाइम नहीं होता कि रोज CA के ऑफिस में विजिट करेंगे। तो इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मेंबर कम भी हो गए होंगे, इन्होंने इंक्रीज भी नहीं करवाए होंगे, इन्हें पता भी नहीं होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इनको अपने शेयर बेच के इन्होंने ले लिए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, लेके बैठ गए, ना इन्होंने बढ़ाया ना कुछ करा। अगर ये लोग ये प्रूव कर दें कि 6 महीने से ज़्यादा हो भी चुका है, लेकिन ये प्रूव कर दें कि हम कॉग्नाइजेंट नहीं थे, हम अवेयर नहीं थे कि ऐसा कोई प्रोविजन भी है लॉ में, तो क्या ये बच जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि शब्द क्या है, खाली 6 महीने की लिमिट से फर्क नहीं पड़ रहा, एंड इज कॉग्नाइजेंट ऑफ द फैक्ट, साथ में जानकारी में भी बात होनी जरूरी है। तो पेपर में तुम्हें कंफ्यूज करेगा वो कि भाई 6 महीने से लिमिट तो ज्यादा हो गई लेकिन कॉग्नाइजेंट नहीं थी, उनकी जानकारी में बात नहीं थी। अगर वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर देंगे, वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। ये लूप होल है एक्चुअल में, रियल लाइफ के अंदर ROC के ऑफिस में सारे बंदे इनोसेंट ही प्रूव होकर बाहर आएंगे, और ROC को बस तुम्हें पता क्या जाएगा, मिठाई का डब्बा जाएगा, अंदर से इनोसेंट बंदा बाहर होके आ जाएगा, जो शाहरुख खान के बेटे का होने वाला भी थोड़े टाइम में, वो भी इनोसेंट ही प्रूव होगा, देख लेना। तुम्हें क्या लगता है उसके ऊपर ट्रक का आरोप लगेगा, वो इनोसेंट प्रूव होगा। सलमान खान का किसको नहीं पता कि उसने करा था, फिर भी इनोसेंट प्रूव हो गया ना, सब इनोसेंट प्रूव होंगे, पैसा बोलता है। तो अच्छा, कॉग्निजेंट शब्द क्लियर हुआ, कॉग्निजेंट को कैसे पढ़ना है, तो कॉग्निजेंट मीन्स अवेयर। तो इसका मतलब अगर पहली बात तो हमें कर्जे खाली लेने ही कौन से वाले, 6 महीने से ज्यादा वाले, दूसरी बात ना तो 6 महीने के बीच वाले लेने हैं उससे पहले वाले लेने हैं, दूसरी बात कि अगर 6 महीने से ज्यादा हो भी गया है और बंदा अपने आप को अगर इनोसेंट प्रूव कर दे और वो कह दे कि मैं अनअवेयर था, मेरे को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो वो बच जाएगा, तो वो पर्सनल लायबल लायबिलिटी उसकी पूरी ही खत्म हो जाएगी, सारी लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, कंपनी के ऊपर आ जाएगी, कंपनी अपने फंड से चुकाएगी, वो लोग पर्सनल लायबल नहीं है, पक्का लॉक कर दें। वो एग्जांपल लिखना पीछे वाला पूरा लिखो, लिख लिया, हाँ आधे हो जाते हो, समझा नहीं, तो जो जो अवेयर है सर वो फंसेंगे, उनको ही चुकाना पड़ जाएगा सारा। हाँ, पेपर में, अगर पेपर में तुम्हें ये ना बताया कि अवेयर है नहीं है, तो आप अवेयर ही मानोगे पेपर में, पेपर में अजम्पशन लेनी है आप अवेयर लोगे। अगर वो स्पेसिफिकली ऐसे बोल दे कि वो इलिटरेट है वगैरह वगैरह, तो आप अजम्पशन ले सकते हो, वरना नॉर्मली आप क्या मान के चलोगे, अवेयर। आओ, कहाँ, दूसरी कंपनी भी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। हाँ, आज तक फिर ये भी नहीं पता होली ऑन सब्सिडरी क्या होती है, ये भी गलत सिखाते हैं। आओ, होली ऑन सब्सिडरी सीख ले फिर, अब आओ।
यार तुम भी ना मजे ले लेते, फिर मेरे को सिखाना पड़ जाता सब कुछ। तुम्हें पता है टीचर कैसे सिखाते हैं होली ऑन सब्सिडरी? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 100% शेयर एक्वायर कर लिया, जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग, जिसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी। उन बेचारों में थोड़ा अक्ल का घाटा है, उन्होंने सेक्शन 3(1) नहीं पढ़ा। 3(1) में भी क्या पढ़ाया गया था कि प्राइवेट में कितने मेंबर चाहिए? 2। पब्लिक में कितने चाहिए? 7। तो प्रैक्टिकली होली ऑन सब्सिडरी कैसे बनती है जरा देखना। मान लो एक कंपनी है एच लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एस लिमिटेड। एक नॉर्मल सब्सिडरी बनानी है तो कैसे बनती है? एक कंपनी दूसरी कंपनी के अगर मोर देन 50% की इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड कर रहेगी, तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी, जिसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी। होली ऑन सब्सिडरी टीचर कैसे सिखाते हैं कि मान लो इस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, इस एस लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं? 10,000। अगर नॉर्मली लोग ये सिखाते हैं कि अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड के पूरे 10,000 के 10,000 शेयर एक्वायर कर लेगी, तो एच लिमिटेड हो जाएगी होल्डिंग कंपनी और एस हो जाएगी होली ऑन सब्सिडरी, मतलब पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। अब तुम लॉजिकली सोचो कितना गलत सिखाते हैं। अगर एस लिमिटेड के अंदर एच लिमिटेड को 100% शेयर पकड़ा दिया, शेयर होल्डर बना दिया, और 10,000 के 10,000 शेयर होल्डर शेयर इसी को पकड़ा दिए पूरे के पूरे, तो ये होल्डिंग मतलब ये एक शेयर होल्डर बना, पब्लिक बनाने के लिए कितने चाहिए? 7। तो पब्लिक कंपनी का तो अस्तित्व भी खत्म हो गया, एक पब्लिक के लिए कितने चाहिए? 7। उसका तो अस्तित्व भी खत्म हो गया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बनती है कि एच लिमिटेड को हम 10,000 के 10,000 नहीं देंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, इसको दिए जाएंगे 9,994 शेयर, 9,994, और 6 बंदे अपॉइंट किए जाएंगे A B C D E F, और सबको एक एक शेयर पकड़ाया जाएगा, क्योंकि अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं कम से कम एक शेयर होना चाहिए, और एक शेयर ऐसे करके सब पे पकड़ाया जाएगा, सबको एक एक शेयर दिया जाएगा, और इन सबके ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा नॉमिनी ऑफ एच लिमिटेड। ये सारे के सारे किसके नॉमिनी है? एच लिमिटेड के नॉमिनी है। अब बनी है होली ऑन सब्सिडरी, मतलब एक किस्म से सिर्फ नहीं बेनिफिट रजिस्टर्ड भी कहलाएंगे, क्योंकि इनके नाम पे ही होंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखवा दिया जाएगा कि ये अपने नाम पे ले तो रहे हैं लेकिन नॉमिनी किसके हैं, पैसा किसने दिया है? एच ने दिया। खाली बेनिफिशियल वाले में फर्क क्या होता है कि उनके नाम पे भी नहीं होते है ना, फिर बेनिफिशियल कोई और होता है और रजिस्टर्ड कोई और होता है, यहाँ पे रजिस्टर्ड यही है, फिर वो होली ऑन सब्सिडरी नहीं होगी ना। होली ऑन सब्सिडरी की बात हो रही है, होली मीन्स पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? ऊपर वाले के हाथ में। तो होली ऑन सब्सिडरी में जब मैं पहली बार मैंने बैलेंस शीट देखी ना होली ऑन सब्सिडरी की, मैंने हमारे टीचर ने भी यही सिखा के भेजा था, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर एक्वायर कर ले, तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग, इसको होल्ड कर रहा है सब्सिडरी। अब हम तो बच्चे थे, इतना दिमाग भी नहीं लगाया उस टाइम पे। होली ऑन सब्सिडरी, सब्सिडरी की बात नहीं हो रही, सब्सिडरी होती है मोर देन 50 पे। होली ऑन मतलब 100% कंट्रोल ऊपर वाली के हाथ में, होली ओन्ड बोलते हैं उसको, ऐसा होता है। अभी सिखाऊंगा, अभी तो होल्डिंग सब्सिडरी आया ही नहीं है, वो तो उसने बीच में छेड़ दिया, एक टॉपिक तो सिखा रहा हूँ, अभी डिटेल में बात करेंगे। तो होली ऑन सब्सिडरी के अंदर मैंने पहली बार हमारे टीचर ने सिखाया ना होली मीन्स 100%, हम भी यही सीख के आ गए। मैंने अपने बॉस को बोला, मैंने कहा सर ये सीए पागल है, इसने गलत बैलेंस शीट बनाई है। कह रहे क्यों गलत बैलेंस शीट बनाई है? मैंने कहा सर जब ये होली ऑन सब्सिडरी आया है तो 100% शेयर तो उसी कंपनी के हाथ में होने चाहिए, 6-7 शेयर बटे के हुए हैं, मैंने तो ऐसे बोल दिया। कहते सीए पागल नहीं है, तू पागल है, मेरा बॉस कहता है। मैंने कहा सर क्यों, मैंने क्या गलत कर दिया? कह रहे तुम लोग कंपनी लो पढ़ के आए हो और तुम्हें अप्लाई करना भी नहीं आता। कहते हैं सेक्शन 3(1) बेसिक सेक्शन होता है, सबको पढ़ाया जाता है, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक में 7 चाहिए, तो 100% उसके हाथ में पकड़ा देगा तो 6 कहाँ गए? कंपनी का अस्तित्व नहीं खत्म हो गया? तो कहते हैं 6 नॉमिनी अपॉइंट किए जाते हैं, उन सबको एक एक शेयर पकड़ाया जाता है और वो नॉमिनी ऊपर वाली कंपनी के ही होते हैं। तो इस तरीके से होली ऑन सब्सिडरी बनती है। तो वहां हम जलील हो गए, फिर आज बाहर हमारी इज्जत है। जितना जलील होना है ना क्लासों में हो जाओ टीचरों के आगे। मेरे लिए बिना बॉस टीचर ही तो था, सिखाता ही तो था, बॉस एक टीचर है, जो बेइज्जती करानी है यहीं करा लो क्लास के अंदर, आईसीआई के आगे ना हो, क्योंकि उनकी अगली बेइज्जती ना 6 महीने बर्बाद कर देती है। ये फिर से समझा दूं, एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, मेरे भाई टाटा की बहुत सारी है, रिलायंस की बहुत सारी होली ऑन सब्सिडरी, एक नहीं बहुत सारी है, इनके ग्रुप के अंदर बड़ी सारी होली ऑन सब्सिडरी है। यार एक कंपनी है एच लिमिटेड, एक कंपनी से A B C D E, मैं सबके 100% ले रहा हूँ, 6-6 शेयर छुड़वा के, वो सारी मेरी होली ऑन है, कितनी हो सकती हैं? समझ आया? हाँ एक बात चल रही थी, अब तुम सुन लो, दो बच्चे जो होली ऑन वाले समझ रहे हैं, नॉर्मल सब्सिडरी क्या होती है,
नॉर्मल सब्सिडियरी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर होल्ड करती है तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी, जिसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडियरी। तो इसका मतलब ये कि अगर इस एस लिमिटेड के 5001 शेयर्स, 5001 और मोर शेयर्स अगर ये कंपनी होल्ड कर लेगी, कौन? एच लिमिटेड, तो एच कहलाएगी होल्डिंग कंपनी और एस कहलाएगी, ये तो कौन नॉर्मल होल्डिंग सब्सिडियरी की बात हो रही है, लेकिन मैं यहां पे वो नहीं समझा रहा, यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, होली ओन सब्सिडियरी। शब्द क्या है? होली ओन्ड सब्सिडियरी। होली का मतलब क्या होता है? 100%, मतलब नाम से क्लियर, होली मीन्स होल कंप्लीट, कंट्रोल किसके पास है? दूसरी कंपनी के पास। अच्छा, तो होली ओन सब्सिडियरी में जो मैं तुम्हें बता रहा था कि नॉर्मली टीचर क्या सिखाता है कि भाई होली ओन का मतलब ये है कि एक कंपनी ने अगर दूसरी के पूरे 10,000 शेयर ले लिए तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग, जिसको होल्ड किया जा रहा है वो होली ओन सब्सिडियरी। तो मैं दिक्कत समझा रहा था, दिक्कत क्या है कि अगर मान लो एच लिमिटेड एस के 10,000 के 10,000 शेयर खरीद लेगी तो एस की एक शेयर होल्डर तो खुद कौन हो गई? एच हो गई, बाकी 6 कहां गए? पब्लिक को बनाने के लिए कितने शेयर होल्डर चाहिए? 7। और 10,000 के 10,000 उसी को दे दिए तो बाकी 6 शेयर होल्डर बनाने के लिए कम से कम उनको एक शेयर तो देना पड़ेगा। एक बंदा एक कंपनी का शेयर होल्डर कब कहलाएगा? जब उसके पास कम से कम उस कंपनी का एक शेयर होगा। अगर तुम 10,000 के 10,000 इसको पकड़ा दोगे तो एक शेयर होल्डर तो खुद बन गई, बाकी कहां गए? 6। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर तो इस पब्लिक कंपनी का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 वायलेट हो गया। वो तो ये बोलता है पब्लिक में साथ होने ही चाहिए, इसलिए फिर क्या रूल लाया गया कि जब होली ओन सब्सिडियरी बनेगी तो उसको पूरे 10,000 नहीं पकड़ाए जाएंगे। कितने पकड़ाए जाएंगे? 9,994, और 6 शेयर, एक एक शेयर छुड़वाए जाएंगे, 6 नए शेयर होल्डर अपॉइंट किए जाएंगे और सबको एक 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 शेयर पकड़ा दिया जाएगा। तो 6 शेयर होल्डर ये हो गए, एक एच लिमिटेड खुद हो गई, टोटल कितने बन गए इसके? क्राइटेरिया पूरा हो गया। और ये जो 6 होंगे ये कोई बाहर के लोग नहीं होंगे, एच लिमिटेड के अपने नॉमिनी होंगे, वो खुद अपॉइंट करवा के भिजवाएगी। तो इसे हम बोलते हैं होली ओन सब्सिडियरी। ठीक है, पक्का पक्का लॉक कर दें। तो मेरी जो पहली बार इंडस्ट्री में बेइज्जती हुई थी, मैंने ना उस टाइम में नया नया ऑफिस में गया था और मेरे से बॉस ने पूछा तेरा स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है, मैंने सर कंपनी लो। वाकई में मेरा कोर था, मैं तो अपने आप को सोचता था कि मेरे से बढ़िया कंपनी लो किसी को आता नहीं, क्योंकि मैंने दोनों टाइम टॉप करा था। मेरे एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे, फाइनल के अंदर ऑल इंडिया फोर्थ हाईएस्ट मार्क्स थे कंपनी लो में, मैं दोनों टाइम ऑल इंडिया टॉपर था पेपर में कंपनी लो के। चलो वो तो बाद में बात करेंगे कभी स्ट्रेटेजी की। तो जब एक बंदा अपने आप को फील कर रहा है कि मैं दो टाइम इंडिया में टॉप करके बैठा हूँ तो मेरे से अच्छा कंपनी लो किसी को, तो इंडस्ट्री में जाके बेइज्जती होगी हमारी है। तो उसने तो मुंह उतार दिया, फिर उसके बाद कहता तेरी गलती नहीं, तो टॉपर है इसलिए ऐसा हुआ है। वो और बेइज्जती थी, हाँ वो और बेइज्जती थी। फिर करते करते ना मैंने एक चीज जरूर सीख ली कि भाई अगर कोई बंदा 10 साल से इंडस्ट्री में बैठा है और हम नया नया काम सीखने जा रहे हैं तो उसको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो हमने बुकों में नहीं सीखी, तो इनके आगे अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में नहीं दिखाई जो वो कहते हैं। ओके, समझ आया? होली ओन सब्सिडियरी पक्का? ओ अब तूने ऐसी बात छेड़ दी ना तो मेरे को होली ओन सब्सिडियरी समझाना पड़ गया, ना समझाना थोड़ी ना मैंने होली ओन सब्सिडियरी, यहाँ पे भी लिंक ही नहीं था उसका। हाँ भाई, सेक्शन 3 है, फिनिश, समाप्त समाप्त। एक पेज के ऊपर 4 बज गए, अभी एक पेज खत्म हुआ हमारा, 2:45 बजे स्टार्ट हुई तब भी देख 1.25 घंटा लगा सिर्फ एक पेज पे, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ था। अच्छा, ये दोनों चीज़ें फाउंडेशन में पढ़ाई जाती हैं लेकिन ऐसे नहीं पढ़ी थी। चलो नीचे आते हैं, ये तो मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ सारा पहले चैप्टर में। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और ऊपर लिखा दो कंपनियां, स्टैचुटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनियां। स्टैचुटरी कंपनियां वो होती हैं जो अपने एक्ट से बनी है, एग्जाम्पल ICICI, ICSI, क्या ये कंपनी एक्ट में बनी है? अपने एक्ट से बनी है, अपने एक्ट से। रजिस्टर्ड कंपनी वो है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, एग्जाम्पल ICICI बैंक, रिलायंस, टाटा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं कि रजिस्टर्ड बोल रहे तो इसका मतलब ऊपर वाली अनरजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं है। जब हम रजिस्टर्ड कंपनी बोलें तो इसका मतलब वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, जब हम स्टैचुटरी बोले तो मतलब वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड तो दोनों ही है, रजिस्टर्ड तो दोनों ही है। LIC एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड, ऐसे समझना है। समझ आई बात? नीचे आते हैं, यहां कुछ नहीं था। अच्छा, इसके अलावा कह रहा अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज, कितनी सारी हैं?
नॉट फॉर प्रॉफिट, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट प्रोड्यूसर, निधि डोरमेंट, इन सबको अब वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, सबके बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन को, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आज की क्लास की, वो मैं करने जा रहा हूँ प्राइवेट कंपनी से। नीचे आ रहे हैं, ये लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन को अभी नहीं करेंगे, करवाऊंगा मैं, खुद ही याद करा दूंगा क्लास के अंदर ही बैठे बैठे सारे, देखते चलो बस, अभी मैं ही कराऊंगा याद, तुम्हें नहीं करना कुछ भी। स्टार्ट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी से, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 4 बज रहे हैं, गिन लो 5 बजे डेफिनेशन खत्म हो गई है सिर्फ प्राइवेट कंपनी की। अब 1 घंटा सिर्फ हम किस पे लगाएंगे, प्राइवेट कंपनी पे। और इस डेफिनेशन में को लगता है ऐसा कोई पॉइंट बचेगा नहीं जो चीरफाड़ नहीं होगी इसकी, ढंग से करेंगे, ध्यान से सुनते चलो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी डिफाइन है, और ये बोलता है प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। यहीं रुक जाओ, तुमको लोगों ने ना कभी, तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हें स्कूल में सिखाया भी गया नहीं सिखाया गया, पहले एक सिस्टम होता था कि एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 1 लाख की पेड अप कैपिटल चाहिए होती है, पब्लिक को बनाने के लिए मिनिमम 5 लाख की चाहिए होती है। सुना था कभी ऐसा स्कूल वूल में? ये लिमिट हट चुकी है अब, आज की डेट में अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप 1000 रुपए से बनाना चाहो 1000 रुपए से बनाओ, आप 500 रुपए से बनाना चाहो 500 रुपए से बनाओ। अच्छा कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि, अच्छा कुछ लोग ना, मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आज की डेट प्राइवेट कंपनी 0 रुपए से बनानी है तो 0 रुपए से बनाओ। अब उन लोगों ने ना गलत इंटरप्रिटेशन निकाली है, वो लिटरल निकाली, लॉजिकली निकाली। देखो मिनिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो लिटरल इंटरप्रिटेशन तो यही निकलती है कि 0 रुपए की भी कैपिटल हो सकती है, कि मिनिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी मर्जी, हम पैसा लगा ही नहीं रहे। अब तुम खुद सोचो, कंपनी बनाओगे शेयर से, प्राइवेट कंपनी बनाओगे तो कम से कम 2 शेयर होल्डर चाहिए, और जब वो शेयर खरीदेगा तो बदले में कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है, कंसिडरेशन। तो कम से कम शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए की तो रखोगे, तो कम से कम 2 रुपए तो लगाने पड़ेंगे, 1 रुपए का दोनों का 1 शेयर। इसका 0 रुपए से तो कंपनी नहीं बन सकती, 0 रुपए से तो कंपनी, कम से कम 2 रुपए तो सही है। पक्का लॉक कर दे, समझ आती है ना बात? क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा शेयर खरीदेगा तो कम से कम 1 शेयर तो लेगा, तभी वो शेयर होल्डर बनेगा, और 1 शेयर की वैल्यू कम से कम 1 रुपए तो रखो, फ्री का तो होगा नहीं। इसलिए प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए आज के डेट में कम से कम तुम्हारी जेब में 2 रुपए होने चाहिए तो तुम्हारी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। वो अलग बात है बनेगी नहीं, CA पैसे नहीं लेगा बनाने के, कंप्लायंसेस के पैसे नहीं चाहिए, है ना, प्रोफेशनल अपने पैसे नहीं लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। हाँ तो मतलब लेते के अल्टीमेटली मेरे कहने की सेंस है कि बहुत, अगर बहुत तुम अपनी हद मार के इंटरप्रिटेशन निकालने बैठ लो तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम 2 रुपए चाहिए जो कंपनी के कैपिटल में लगाते हुए दिखाने हैं, 2 रुपए। अब स्टार्ट करते हैं, क्या बोलता है देखता है मेरे ध्यान से, कहता है प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब आने वाले टाइम में जो भी बताया जाए, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंटरनल रूल्स, जिसके आर्टिकल में ये 3 रिस्ट्रिक्शन होनी जरूरी है। तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके आर्टिकल के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शन होनी जरूरी हैं। इसका मतलब ये कि अगर ये 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी तो, या 3 में से कोई एक भी पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। तो इसका मतलब एक प्राइवेट कंपनी अगर बनानी है तो कितनी रिस्ट्रिक्शन चाहिए? अच्छा, जनरली वी से दैट दीज आर 3 रिस्ट्रिक्शंस, बट आउट ऑफ दीज देर इज 1 रिस्ट्रिक्शन, 1 लिमिटेशन एंड 1 प्रोहिबिशन। कहने को 3 रिस्ट्रिक्शन है लेकिन 1 रिस्ट्रिक्शन है, 1 लिमिटेशन है, 1 प्रोहिबिशन है। और मैंने तुम्हें बताया था कि रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन तीनों में फर्क होता है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है यू कैन डू दैट थिंग बट यू हैव टू फुलफिल सम कंडीशंस। आप वो चीज कर सकते हो, करना मना नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस पूरी करने के बाद। प्रोहिबिशन मीन्स यू कैन नॉट डू दैट थिंग एट ऑल, आप वो चीज कर ही नहीं सकते। लिमिटेशन इज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन बट इट इज बेसिकली यूज इन केस ऑफ नंबर्स। लिमिटेशन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन की तरह ही है लेकिन किस जगह पे यूज होती है? वो नंबर्स की जगह पे। तो अब जरा समझते हैं तीनों एग्जांपल से। रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन का एग्जांपल दिया था, मान लो ये लड़की अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी मेरे को घूमने जाना है, मम्मी कहती है बेटा चली जा लेकिन रात को 8 बजे से पहले पहले वापस आ जाइयो। रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन? रिस्ट्रिक्शन, जाना मना नहीं है लेकिन 8 बजे से पहले पहले वापस आ रहा है, मतलब कंडीशन पूरी करनी है। केस टू, ये कहती है मम्मी मेरे को घूमने आना है, मम्मी कहती है हमारे घर में बाहर लड़कियों को भेजना अलाउड नहीं है। प्रोहिबिशन क्या है ये? प्रोहिबिशन। केस थ्री,
एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। लिमिटेशन किस चीज में यूज हो रही है? नंबर्स की फॉर्म में। तीनों शब्दों में फर्क क्लियर हो गया? रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। तो रिस्ट्रिक्शन मीन्स काम कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, कर सकते हो कुछ कंडीशन पूरी करने के बाद। प्रोहिबिशन मीन्स वो काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और लिमिटेशन क्या है? जो नंबर की फॉर्म में यूज होती है। अच्छा, तुम लोगों ने जगह जगह देखा होगा लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं पी सकते, थोड़ी थोड़ी पी लो, पी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं पी सकते, क्योंकि शब्द क्या है? प्रोहिबिटेड। ठीक। अच्छा, एक शब्द तो तुम्हारे को ये क्लियर हो गया, एक शब्द और यूज होगा। एक शब्द और यूज होगा इस चैप्टर के अंदर बार बार, उस शब्द का नाम है सिक्योरिटीज। इस डेफिनेशन में बार बार एक वर्ड यूज होगा, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी, तुमसे कोई पूछे तो कह दे टर्म सिक्योरिटी इज वाइडर देन शेयर। इसके अंदर इक्विटी शेयर भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सब कुछ आएगा। मतलब जब सबको जोड़ देते तो क्या वर्ड बनता है? बॉन्ड्स एटसेट्रा। जब सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सिक्योरिटीज। इसका मतलब सिक्योरिटी शब्द क्या होता है, मैं ये समझ आ गया। मैं कुछ ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें करने जा रहा हूं। एक शब्द होता है सिक्योरिटी, शब्द क्लियर हो गया। रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन क्लियर हो गया। एक चीज होती है, एक होता है मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। हमारे इंडिया में सिक्योरिटीज इशू करने के दो मेथड है मेनली। एक है इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट, एक है इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट, एक है अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन, एक है अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन। तो हमारे इंडिया में सिक्योरिटी इशू करने के दो मेथड, फर्स्ट इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट, नेक्स्ट अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन। मतलब सिक्योरिटी जो हम इशू कर रहे हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, एक कंपनी कुछ भी मार्केट में इशू कर रही है, तो इसको इशू करने के दो रास्ते, इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट, नेक्स्ट अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन। तुम लोगों को एक चीज पढ़ाई गई होगी फाउंडेशन के अंदर, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क होता है। मैं इस बच्चे को बोलता हूं आई वॉन्ट टू सेल यू दिस पेन एट रुपीज 10, she said sir I am willing to buy this pen at rupees 10, ये offer था और उसने मेरे को क्या दी? acceptance दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक prospectus निकाला कि जिस जिस बच्चे के 90% से ऊपर marks है आकर admission ले लो। वो offer है, invitation है, invitation है, वो आपको invite कर रहे हैं, offer नहीं दे रहे, invite कर रहे हैं कि भाई जिसके 90% से ऊपर marks है वो आकर admission लो, और हमारे पास cut off में देखो तुम्हारा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब तुम जाओगे और 90 से ऊपर तुम्हारा उस कट ऑफ में नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, तुम देखोगे, देखने के बाद अब तुम यूनिवर्सिटी को बताओगे कि सर मेरा नंबर इस लिस्ट में आ रहा है, मेरे को एडमिशन दे दो। तो ऑफर अब तुम दे रहे हो और एक्सेप्टेंस कौन देगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका मतलब उन्होंने तुम्हें इन्वाइट करा था, ऑफर नहीं दिया था, ऑफर तुम जाकर दोगे और वो तुम्हें क्या देंगे? एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब जब कोई कंपनी मार्केट में पब्लिक इशू लेकर आती है, और पब्लिक इशू क्या होता है? जोमेटो का आया था IPO, तो जब पब्लिक इशू में क्या होता है, एक कंपनी 10,000 शेयर लेकर आ रही है ₹10 ईच वाले, इसका मतलब वो लोगों को इनवाइट कर रही है कि भाई हमारी कंपनी इतने शेयर लेके आ रही है, जिसको खरीदने खरीद लो। तो वो ऑफर नहीं दे रही, इनवाइट कर रही है। अब आप लोग क्या करोगे? अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो वो आपकी तरफ से उनको क्या है? कंपनी को ऑफर। और जब कंपनी आपको अलॉटमेंट कर देगी तो उनकी तरफ से क्या हो जाएगी आपको? एक्सेप्टेंस। ये बात समझ आती है? इसका मतलब ये जो पहली कैटेगरी है ना, इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट, ये पब्लिक इशू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पब्लिक इशू। और ये जो अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन है, इसमें कंपनी इनवाइट नहीं कर रही, कंपनी आपको ऑफर लेटर देगी। क्या देगी? ऑफर लेटर देगी, या आप कंपनी को ऑफर लेटर भर के दोगे और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, और उसके बाद कंपनी आपको क्या कर देगी? अलॉटमेंट कर देगी। इसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। एक हो गया पब्लिक इशू और एक हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। अब सुनते चलना इसमें फर्क क्या दोनों में, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट में। प्राइवेट प्लेसमेंट लॉ कहता है कि आप हमेशा आइडेंटिफाइड पर्सन को करोगे। शब्द क्या है? आइडेंटिफाइड।
मतलब जिनको कंपनी ऑलरेडी जानती है। अच्छा, कई बार ना तुमने देखा होगा किसी टीचर ने तुम्हारे को शायद सिखाया भी हो, कोई टीचर सिखा देते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट ना अपने प्राइवेट प्राइवेट बंदों को होते, रिलेटेड बंदों को होती है, आउटसाइडर्स को नहीं होती, जनरल पब्लिक को नहीं होती, ऐसा सिखाया किसी ने? अच्छा सुनना पड़े ध्यान से, मैं और इस भाई ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई, हम दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई, वो पीछे वाले दोनों भाई जो बैठे हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे कुछ नहीं है, मेरे फ्रेंड व्रेंड कुछ भी नहीं है, बस पड़ोसी हैं। हमारे को दो शेयर होल्डर और ऐड करने की ज़रूरत है। मैंने इन दोनों को बोला, यार तुम लोगों को अगर पैसा है तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भर, हम तुम्हें अलॉटमेंट कर देंगे। क्या हम इन्हें ऑलरेडी जानते हैं? जानते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आए या उल्टा हो जाए, ये हमारे पास खुद ही आ जाएंगे, सर हमारे पास पैसा बहुत है आपकी कंपनी में लगा दे, मैंने कहा लगा दो, तो क्या यहाँ पे हमने जनरल पब्लिक को इनविटेशन दिया या सीधा ऑफर एक्सेप्टेंस वाली बात हो रही है? ऑफर एक्सेप्टेंस, ये आए, हमने कहा एप्लीकेशन फॉर्म भरो, इन्होंने ऑफर दे दी, हमने इनको क्या कर दी? अलॉटमेंट कर दी। दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या है ये? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में हम लोग इन्वाइट नहीं कर रहे जनरल पब्लिक को, जिनको हम जानते हैं उन्हें क्या कर देते हैं? ऑफर दे देते हैं, और उसके बाद क्या करवा देते हैं? अलॉटमेंट हो जाती है, ऑफर अलॉटमेंट वाला खेल चलता है सीधा। लेकिन पब्लिक इशू के केस के अंदर जब हम बोलते हैं जिसको लेने हैं ले लो, क्या हम उनको जानते होते हैं? कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो अब क्या होता है कि जब हम बात करें कि पब्लिक इशू की, तो ये पब्लिक इशू इंडिया में कौन ला सकता है? तो लॉ कहता है ओनली पब्लिक कंपनी ला सकती है, ओनली पब्लिक कंपनी ला सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकती। जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें तो ये पब्लिक कंपनी भी ला सकती है प्लस प्राइवेट भी ला सकती है। समझने वाली चीज यही थी, बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, पब्लिक इशू मींस पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट प्लेसमेंट मींस प्राइवेट कंपनी, ऐसा नहीं है। पब्लिक इशू मींस पब्लिक कंपनी, खाली पब्लिक कंपनी लाएगी, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी भी ला सकती है और प्राइवेट कंपनी भी ला सकती है। इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट करने के दो रूट हैं, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट दो कंपनी ला सकती है, पब्लिक भी प्राइवेट भी। इसका मतलब पब्लिक कंपनी के पास दो रूट हैं, चाहे तो वो पब्लिक इशू के थ्रू शेयर ले आए, अगर उसको बहुत हैवी लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, गिने चुने लोगों से चाहिए, तो वो क्या करवा ले? प्राइवेट प्लेसमेंट करवा ले। ये बात समझ आती है। बहुत बड़े लेवल की फंडिंग चाहिए तो क्या कर लो? पब्लिक इशू ले आओ। और प्राइवेट प्लेस प्राइवेट कंपनी तो हमेशा आएगी किस रूट से? प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से आएगी, उसको पब्लिक इशू के रूट से आना अलाउड नहीं है। क्योंकि अच्छा नाम से ही क्लियर है, दो तरीके की कंपनियां होती हैं, एक होती है क्लोजली हेल्ड कंपनीज, एक होती है वाइडली हेल्ड कंपनीज। क्लोजली मीन्स गिने चुने लोगों की इन्वेस्टमेंट है, दैट इज प्राइवेट कंपनी, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजली हेल्ड। बहुत बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट है तो वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। लेकिन अब पब्लिक में भी ना लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, लोगों को लगता है पब्लिक मीन्स बड़ी। पब्लिक सात लोगों से बन जाती है, तो अगर सात आठ लोगों ने बनाई है, उसमें जनरल पब्लिक की इन्वेस्टमेंट नहीं है बहुत बड़े लेवल पे, तो वो भी पब्लिक है लेकिन क्लोजली हेल्ड है तो वो पब्लिक लेकिन क्लोजली हेल्ड। क्लोजली हेल्ड का मतलब जहां पे गिने चुने सिलेक्टेड शेयर होल्डर, जिनको आप काउंट कर सकते हो गिनती में, आप पांच सात आठ दस, तो वो कौन सी कंपनी है? क्लोजली हेल्ड। तो क्लोजली हेल्ड में क्या प्राइवेट ही आएगी? पब्लिक भी आ सकती है, पब्लिक भी आ सकती है। छोटी मोटी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां भी किसमें आएंगी? क्लोजली हेल्ड में आएंगी। जो बड़े लेवल पे है वो सब क्या है? वाइडली हेल्ड कंपनीज, जिनका बहुत बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट है। अब भी मैंने ये बेस भी समझा दिया, ये लिख लिया सबने? लिखना है ऊपर कर लूं? चलो पहले लिख लो, फिर मैं वापस जाऊंगा वहीं, यहीं से लिखना होगा, सिक्योरिटी से। रुक जाओ, लो है, मैंने तो तुम्हें बोला था तुमने लिखना था, होली ऑन सब्सिडी वाला भी पहले ये लिख लो, फिर मैं लिखवाता हूँ वो भी लिखवाता हूँ। नीचे का दू लिखो, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, एक है इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट, दूसरा है अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन।
केस स्टडी मिक्सचर है, ऐसा नहीं है। इस वाले पेपर के अंदर तुम्हारी सिर्फ केस स्टडीज थी, 10 नंबर का स्टेट था, 90 नंबर की केस स्टडी थी पेपर में इस बार के सी इंटर के पेपर में। तभी तो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहा हूँ। अगर हाँ मेरे भाई, इनसाइडर ट्रेडिंग में 25 करोड़ रुपये सेक्शन 15H लगेगा, मगर वो मैक्सिमम है यार। मतलब लिखा यही है 25 करोड़ है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 5-5 लाख की पेनल्टी पे बाहर आए थे। हैं किसी अगर नहीं 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 सेटिंग हो जाती है 5 से तो 5 साल के लिए लिखा हुआ है, करने वाले लाइफ टाइम के लिए भी कर देते हैं। सब कुछ किसके हाथ में है? सेबी के हाथ में है, जब एक्शन लेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन इंडिया के अंदर 2015 में आई थी, बहुत स्ट्रिक्ट वाली। कौन से किसी किसी ब्रोकर ने डिफॉल्ट करा है? अच्छा, जी कंपनी में 6 इनसाइडर ट्रेडर वाले मिले हैं। अच्छा, नीचे करें, लिख लिया यहां तक, आओ नीचे देखो। तो इनविटेशन एंड अलॉटमेंट मींस पब्लिक इशू, और ये खाली कौन ला सकती है? पब्लिक कंपनी। अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन मींस प्राइवेट प्लेसमेंट, ये कौन ला सकती है? पब्लिक कंपनी भी ला सकती है और प्राइवेट भी ला सकती है। ठीक है, लिख लिया। अब एक बच्चे कह रहे थे कि वो होल्डिंग सब्सिडी वाला लिखना है, पहले ऊपर ले जाता हूं, पहले वो भी लिख लो, कर दो ऊपर, कुछ लिख रहे हैं यार। इसके बिना प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, ये इसलिए समझा रहा हूं। अभी जब प्राइवेट कंपनी को एनालाइज कराना शुरू करूंगा तो इन चीजों के बिना प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ढंग से समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से लिंक करना है, और जब लिंक करना होगा तो फिर ये चीजें समझ आनी जरूरी है। ऊपर चढ़े, वापिस चले ऊपर, देखो भाई, देखो देखो देखो, हाँ ये लो, होली होली ऑन सब्सिडरी वाला एग्जाम्पल। तो ये क्या था कि पहले हमने ये समझाया कि एक नॉर्मल सब्सिडी बनाना हो तो मोर देन 50 चाहिए, लेकिन होली ऑन सब्सिडी बनाने के लिए ऑलमोस्ट 100% जाते हैं, जिसमें से 9994 वही रख लेगा और रिमेनिंग शेयर क्या करे जाएंगे, उसी के नॉमिनी अपॉइंट किए जाएंगे। अच्छा, अगर ये प्राइवेट कंपनी होली ऑन सब्सिडी होती तो, और 10,000 शेयर होते तो 9,999 एक के पास होते और एक और हो जाता, क्योंकि दो चाहिए वहाँ पे, तो मिनिमम 2 ही शेयर होल्डर चाहिए। एक पब्लिक की सब्सिडी बन जाएगी तो मैं तो नॉर्मल कंपनी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है वो वाला केस, एक प्राइवेट जो कि सब्सिडरी है पब्लिक की तो पब्लिक मानी जाएगी, है ना, वही वाला केस। अभी उसके ऊपर एनालाइज कराऊंगा तो, कि उसमें कब वो मानी जाती है, किन किन केसेस के लिए मानी जाती है, उसमें भी तो दिक्कत है। ऐसा थोड़ी कि हमेशा ही पब्लिक है वो हर चीज़ के लिए, वो हम टोटली पब्लिक नहीं है वो। लिख लिया, बड़े आगे कुछ लिख रहे हैं हम। डन हो गया सबका। चलो अब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन करवा रहा हूं, तो मैं पहले अपनी अपनी सिंप्लीफाई वर्डिंग में लिखवा देता हूं, पहले प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन होती क्या है, फिर एनालाइज करते हैं। देखो ये क्या बोलता है, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी, सिंप्लीफाई वर्डिंग में लिखवा रहा हूं, विच कंटेन्स
फ्री रिस्ट्रिक्शंस इन इट्स आर्टिकल्स. तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स में कितनी रिस्ट्रिक्शन है? तीन. पहला रिस्ट्रिक्ट्स द राइट. प्राइवेट कंपनी सब पढ़ के आए हो ना, ठीक है कोई बात नहीं. रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. ये पहला पॉइंट है. सेकंड था एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी. एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी 1% कंपनी को छोड़कर लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200. यही पढ़ा था, मेंबर्स टू 200. हाउएवर प्रोवाइडेड एट का दूसरा नाम होता है हाउएवर इन दिस लिमिट ऑफ 200 दोस पर्संस शैल बी एक्सक्लूडेड हु आर पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड आर कॉन्टिन्यूड टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी एक तीसरी चीज थी प्रोहिब्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज. प्रोहिब्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज. तो ये तीन पॉइंट थे. क्या क्या? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स. नेक्स्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200. तीसरा अच्छा इसी में था एक हाउएवर इन दिस लिमिट ऑफ 200 दोस पर्सन शैल बी एक्सक्लूडेड. वो कवर नहीं होंगे जो पास या प्रेजेंट एम्प्लॉइज से एंड साथ में कंटिन्यू टू बी द मेंबर है. एंड प्रोहिब्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज. ये थर्ड पॉइंट है. अब एनालाइज करते हैं वन बाय वन सबको. और जो सेकेंड वाला पॉइंट है उस पर पाँच से छः सिचुएशंस बनेंगी और वो देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है. However, in this limit of 200, those persons shall be excluded who were past and present. Those persons shall be excluded who were past and present employees of the company. And are continued to be the members of the company. और लास्ट है प्रोहिब्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज. यहीं रुक जाओ. लिख लिए सारे? स्टार्ट करें एनालिसिस. मैं पहले ही बता रहा हूँ, अब सुनते चलना. अब क्लास में ना एक्टिव पैसिव वाली बात याद है ना, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव वो अच्छा वो बैठी हाँ एक्टिव वो जो क्लास में फिजिकली भी प्रेजेंट है और मेंटली भी प्रेजेंट है. पैसिव वो जो फिजिकली तो प्रेजेंट है, मेंटली दिमाग कहीं और है. तो अब एक्टिव वाले हो जाओ, दिमाग में 10 थॉट नहीं चलने चाहिए, क्योंकि अब ऐसी ऐसी बातें होंगी जिसके लिए तुम मेरे को बार बार बोलोगे सर एक बार दोबारा बता दो, पर मैं बताऊंगा नहीं इस बार, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ. बिल्कुल आँख कान खोल के बैठना, अब ऐसे हाथ से होने वाले तुम्हारे साथ इस डेफिनेशन में. स्टार्ट करें. चलो देखो भाई, कहता है रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. यहीं रुक जाओ. जब मैं बोलूं शेयर तो उसमें इक्विटी भी आ गया और प्रेफरेंस शेयर भी आ गया. इक्विटी शेयर भी आ गया और
अच्छा रिस्ट्रिक्शन है प्रोहिबिशन है, इसका मतलब यू कैन डू दैट थिंग बट यू हैव टू फुलफिल सम कंडीशंस। और वो प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि प्राइवेट कंपनी का जब भी कोई शेयर होल्डर अपने शेयर बेचना चाहता है तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिखवा दिया जाता है कि वो पहला ऑफर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगा, जो उसकी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको देगा। वो नहीं खरीदेंगे तो क्या करेगा, बाहर बेचेगा। तो क्या उसको शेयर बेचना मना है? नहीं, सिर्फ पहला ऑफर किसको देना है, एग्जिस्टिंग वालों को। वो नहीं खरीदेंगे तो किसको करेगा, बाहर बेचेगा। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन है प्रोहिबिशन है, रिस्ट्रिक्शन है प्रोहिबिशन होती तो मतलब वो बेच ही नहीं सकता था। रिस्ट्रिक्शन का लगा बेच सकता है लेकिन कंडीशन क्या है, पहला ऑफर एग्जिस्टिंग को देना है, वो नहीं खरीदेगा तो बाहर बेचना है। क्या ये चीज इक्विटी शेयर के लिए फॉलो करनी है या प्रेफरेंस के लिए भी करनी है, दोनों के लिए। क्या डिबेंचर पे कोई रोक है, क्या डिबेंचर पे कोई रोक है? डिबेंचर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या कह रहा था, डिबेंचर प्राइवेट कंपनी इशू नहीं करती, शेयर है। हाँ, तो इसका मतलब क्या, रोक खाली किसके ऊपर है, शेयर्स पे। इसका मतलब डिबेंचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसका मतलब अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो तो आपको एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को ऑफर देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आउटसाइडर को भी बेच सकते हो। ये बात समझ आती है? इसका मतलब दिक्कत किस पे है, शेयर्स पे, क्योंकि सारा कंट्रोल कंपनी में किसके किसके थ्रू आता है, शेयर्स के थ्रू। डिबेंचर के थ्रू आसानी से नहीं आता, अनलेस एंड अंटिल आप बहुत बड़े क्रेडिटर ना हो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये तो सिंपल था। अच्छा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी को छोड़कर लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। यहीं रुक जाओ। अच्छा, जब मैं बोलूं मेंबर, मेंबर मींस शेयर होल्डर, जब मैं बोलूं मेंबर, मेंबर मींस, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा शेयर होल्डर, क्या इक्विटी वाले नहीं हो सकते, प्रेफरेंस वाले नहीं हो सकते, दोनों को मिला के 200, दोनों को मिलाकर 200। अच्छा, एक बंदे ने एक चीज और गलत सिखाई, क्या एक प्राइवेट कंपनी में 1,000,000 शेयर हो सकते हैं? अरे शेयर जितने मर्जी हो सकते हैं, शेयर होल्डर कितने होंगे, 200। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, शेयर्स जितने मर्जी हो सकते हैं, शेयर को होल्ड करने वाले बंदे कितने होंगे मैक्सिमम, 200। अच्छा, यहां पे 200 लिखा है, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को मिला के लिमिट कितनी है, 200। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी 200 ज्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते। क्या यहाँ पे डिबेंचर होल्डर कवर है? इसका मतलब अब प्राइवेट कंपनी कैन हैव एन नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर पे तो कोई रोक है ही नहीं। अब सुनते चलना, whether a private company can have 500 debenture holders, yes, whether a private company can have 5,000 debenture holders, whether a private company can have 5,00,000 debenture holders, ab ruk jao, literally yes, logically no, literally yes, logically no, whether a private company can make public issue, no. Jab ek private company public issue lai nahi sakti to 5,00,000 bande dhoondegi kahan se, गली मोहल्ले में से 5,00,000 बंदे ढूंढ लोगे? प्राइवेट कंपनी हमेशा सारी चीजें इशू करने के लिए लाएगी क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट। और प्राइवेट प्लेसमेंट तो वैसे भी लिखा हुआ, एक साल में आप खाली 200 लोगों को ही ऑफर दे सकते हो, अभी पढ़वाऊंगा। तो लिटरली आंसर यस है कि एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकली इतने भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसको प्राइवेट कंपनी खाली क्या लाएगी, प्राइवेट प्लेसमेंट, और उसमें तो गिने चुने लोग लाते हैं, पब्लिक इशू तो ला नहीं सकती, तो 5,00,000 बंदे ढूंढेगी कहां से? इनविटेशन होती ही नहीं, पब्लिक इशू तो ला ही नहीं सकती प्राइवेट कंपनी, ना तो शेयर्स का ना डिबेंचर्स का। 200, एक साल में 200 लोगों को ऑफर दे सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में खाली, बस। हाँ भाई, पहला यही क्लियर हुआ, तुमको सिखाया यही जाता है, अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव एन नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर, क्योंकि लॉ साइलेंट है, तो हो सकते हैं यस, मगर क्या बोलोगे, लिटरली यस, लॉजिकली नो। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है, ना तो शेयर्स का ना डिबेंचर्स का, पब्लिक इशू तो सबका ही मना है, और जब पब्लिक इशू सबका ही मना है तो 5,00,000 डिबेंचर होल्डर ढूंढने के लिए पब्लिक इशू कहां, पब्लिक इशू लगेगी तो 5,00,000 बंदे ढूंढेगी कहां से, 500-600,000 तो समझ आते हैं, 5,00,000, समझ आ गई बात? तो लिटरली लॉजिकल वाली बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अभी नीचे एक पॉइंट लिखा है, अभी इन हाउएवर इन केस ऑफ एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी को मैंने इग्नोर कर दिया, अभी इसको नहीं पढ़ा रहा मैं, सीधा नीचे पे आ रहा हूं। हाउएवर इन दिस लिमिट ऑफ 200 दोस पर्सन शैल बी एक्सक्लूडेड हु आर पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एंड आर कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब जरा मैं 5 केस बनवा रहा हूं,
आंसर तुम दोगे। स्टार्ट करें केस वन। हाँ नीचे लिख लो। केस वन मान लो, अच्छा यहां पे लिख देता हूं, वेदर काउंटेड अंडर द लिमिट ऑफ यहां पे कॉलम बनाया है, क्या 200 की लिमिट में काउंट होगा या नहीं? केस वन, केस वन, कोई बंदा प्रेजेंट में कंपनी का एम्प्लॉई है, कोई बंदा प्रेजेंट में कंपनी का एम्प्लॉई है प्लस उस कंपनी का मेंबर भी है, क्या वो 200 की लिमिट में आएगा? नहीं आएगा। पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, कौन कौन से लोग 200 के दायरे में नहीं आएंगे, हु आर पास्ट या प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट में एम्प्लॉई है साथ में क्या है कंपनी के मेंबर भी है। तो नीचे वाला केस मैंने क्या बनाया था, वो बंदा प्रेजेंट में एम्प्लॉई भी है प्लस मेंबर भी है, तो क्या वो 200 में आएगा? नहीं आएगा। अच्छा इसका मतलब क्या, इस बहुत इसकी इंटरप्रिटेशन ये लोग सोचते हैं, लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ये समझते हैं कि ये मेंबर नहीं माना जाएगा, वो मेंबर है उसको सारे अधिकार मिलेंगे मेंबर वाले, वो डिविडेंड भी मिलेगा वोटिंग भी मिलेगा, मगर वो एक्स्ट्रा मेंबर है वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। आप समझ आई बात क्या है? तो जब हम बोलते हैं कि कोई बंदा प्रेजेंट में एम्प्लॉई है प्लस मेंबर है तो हम कह रहे हैं 200 की लिमिट में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंबर नहीं है, वो मेंबर है। एक शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वोटिंग मिलता है वो सारे अधिकार इसको भी मिलेंगे, लेकिन वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं। इसका लॉजिक है पता है क्यों, अगर एक प्राइवेट कंपनी में 200 की लिमिट ही रहती और ऐसी एक्सेप्शंस ना बनती, क्या एक प्राइवेट कंपनी में लाखों एम्प्लॉई हो सकते हैं? अच्छा पार्ले है, पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, इसका उसके शेयर होल्डर कितने होंगे? 200। लेकिन उसमें एम्प्लॉई तो पार्ले इतना बड़ा ब्रांड है, उसमें लाखों एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। अच्छा पार्ले में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, जब बाहर के लोग शेयर होल्डर बनने को तैयार है प्राइवेट उस पार्ले के, क्या उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई नहीं बनना चाहते होंगे? तो अगर हम उनको भी गिनने लग जाएंगे और अगर लाखों एम्प्लॉई हैं उसमें से कुछ को शेयर मिलेंगे कुछ को नहीं मिलेंगे तो पार्शियलिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उन्होंने पहले ही क्या बोल दिया, अगर कोई बंदा एम्प्लॉई और शेयर होल्डर बनना चाहता है तो बन जाओ, मुझे 200 मिलेंगे नहीं, जितने मर्जी ले आओ, जितने मर्जी ले आओ। जो नॉर्मल लोग हैं वो कितने हो सकते हैं खाली? इसका मतलब ये हो गया, ऐसे एक एनालिसिस निकल के आया, क्या एक प्राइवेट कंपनी भी वाइडली हेल्ड कंपनी हो सकती है? हो सकती है। क्या पता उस प्राइवेट कंपनी के लाख एम्प्लॉई लाख के लाख क्या बन गए हो, शेयर होल्डर बन गए हो, तो प्राइवेट कंपनी वाइडली हेल्ड हो गई? बिल्कुल हो गई। इसका मतलब वो प्राइवेट मतलब एम्प्लॉई भी है और मेंबर भी है और वो 200 के लिमिट में काउंट नहीं होंगे, वो एक्स्ट्रा है। वो क्या है? एक्स्ट्रा है। पहला पॉइंट क्लियर। केस टू पे आ रहे हैं, सुनते चलना, पांच केस बनेंगे अभी, केस वन है। कुछ भी बन जाए तो उस कंपनी का चौकीदार बन जाए तो उसकी एम्प्लॉय है, किसका ले, किसका शेयर नहीं ले सकता, तो लेके जैसे ही आउट हो जाएगा तो वापस काउंट हो जाएगा 200 में? अभी जरा देखते हैं एक्स एम्प्लॉय में क्या, एक्स एम्प्लॉय में कंटिन्यूशिप करनी पड़ेगी, मेंबरशिप को कंटिन्यू करना पड़ेगा, अभी देखते हैं। पांच केस बना तो रहा हूं मैं, अभी तो एक ही केस हुआ है। हाँ यही है बस। कोई बंदा एम्प्लॉयर उसने शेयर खरीदा तो काउंट नहीं होगा, है ना, ये कहना चाह रही है ना? नहीं होगा। तो मैंने बोला था प्रेजेंट एम्प्लॉय प्लस मेंबर भी है तो 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा। अब सुनते चलना ध्यान से, केस टू आंसर तुम दोगे। कोई बंदा, इसका वाला पॉइंट अब आएगा, कोई बंदा पास्ट में एम्प्लॉय था प्लस मेंबर भी था, मतलब वह एम्प्लॉय भी था और शेयर होल्डर भी था, अब वो करंट में ओनली मेंबर है। अच्छा नाम से ही क्लियर हो रहा है, पास्ट एम्प्लॉई मींस नौकरी से जा चुका है लेकिन शेयर उसने आज भी होल्ड कर रखे हैं, क्या ये 200 में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऊपर चलो, क्या बोलता है, प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉई हुआ कॉन्टिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी 200 में नहीं आएंगे। तो यह बंदा क्या था, पास्ट में एम्प्लॉई था प्लस शेयर होल्डर भी था, नौकरी से चला गया, नौकरी खत्म हुई है, क्या शेयर छोड़े?
शेयर आज भी कंटिन्यू है, अभी करंट में ओनली मेंबर है, तो क्या 200 में आएगा? ये भी एक्स्ट्रा है। कैटेगरी थ्री, कैटेगरी थ्री, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुम मेरे को बताओगे। केस थ्री, कोई बंदा पास्ट में एम्प्लॉई था, एम्प्लॉई था प्लस मेंबर भी था, लेकिन उसने उस टाइम पे अपने सारे के सारे शेयर सेल कर दिए, बेच दिए, प्लस आफ्टर रिटायरमेंट अगेन परचेज कर लिए, आफ्टर रिटायरमेंट अगेन परचेज कर लिए, अब आएगा 200 में? कितने कहते हैं आएगा, कितने कहते हैं नहीं आएगा? आएगा वाले 200 में आएगा। कितने कहते हैं नहीं आएगा? नहीं आएगा। तू आएगा पे आए, नहीं आएगा पे? तेरा हाथ नीचे नहीं क्या? अच्छा आएगा पे, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये कहता नहीं आएगा, और आएगा। लॉजिक देखो, ऊपर चलते हैं, क्यों? यहां पे एक शब्द आ रहा है, पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉई और कॉन्टिन्यू टू बी द मेंबर। शब्द क्या है? कॉन्टिन्यू। क्या इसकी मेंबरशिप कंटिन्यू हुई या बीच में टूट गई थी? इसने अपने सारे के सारे शेयर पहले बेचे थे, रिटायर होने के बाद दोबारा खरीदा, तो मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं हुई, तो इसलिए अब ये 200 के दायरे में आ जाएगा। समझ आ गई बात? थर्ड पॉइंट था। केस फोर, केस फोर सुने, आगे बढ़े। केस फोर, कोई बंदा पास्ट में एम्प्लॉई था, शेयर होल्डर कभी था ही नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट फर्स्ट टाइम शेयर परचेज करिए, आफ्टर रिटायरमेंट फर्स्ट टाइम परचेज करिए, क्या ये आएगा? यस आएगा, 200 के लिमिट में आएगा, क्योंकि इसकी मेंबरशिप तो कभी कंटिन्यू हुई नहीं। जिस टाइम एम्प्लॉई था उस टाइम मेंबर नहीं था, अब जिस टाइम मेंबर बना उस टाइम एम्प्लॉई नहीं है। बात समझ आती है? ये भी आएगा। केस फाइव, ये टेक्निकल है, सुनते चलना ध्यान से। कोई बंदा एक कंपनी का शेयर होल्डर ऑलरेडी है, प्लस उसने अब उस कंपनी की एम्प्लॉयमेंट भी ज्वाइन कर ली, शेयर होल्डर पहले से है, नौकरी अब ज्वाइन कर ली, गवारों। जब कोई बंदा पहले से शेयर होल्डर था और अब नौकरी भी ज्वाइन कर ली, तो अब उसकी एज ऑन करंट पोजीशन क्या है? प्रेजेंट एम्प्लॉय प्लस मेंबर। ऊपर क्या है? ऊपर सिचुएशन डिफरेंट थी, ऊपर एम्प्लॉई अलग पहले मेंबर थे, वहां पे यहाँ पे हमको मेंबर, हमें कंटिन्यू में क्या देखना होता है? मेंबरशिप देखनी होती है, मेंबरशिप। तब नौकरी अब आई है, जिस टाइम वो पहले कोई बंदा शेयर होल्डर था, अब वो अच्छा उस टाइम पे वो 200 के लिमिट के अंदर आ रहा होगा जब वो नॉर्मल शेयर होल्डर था, जैसे उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, तो अब इसकी करंट में पोजीशन क्या है? वो प्रेजेंट एम्प्लॉई है प्लस मेंबर है, तो वो आते हैं 200 में, है जरूरी है। मैं रिलायंस के शेयर खरीद के बैठा, बाद में रिलायंस की कंपनी में सीएस बन गया, मैं नौकरी ज्वाइन कर ली उस कंपनी की, अब 200 के लिमिट में नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं प्रेजेंट एम्प्लॉई भी हो गया प्लस मेंबर भी हो गया। हो गया नहीं हो गया? मेरे को पता था तुम्हारे ढक्कन खुलेंगे। हाँ, अभी मेरे को लग रहा है कहीं को पल्ले नहीं पड़ा। हाँ 200, तो मैं तो कहता हूँ करंट में शेयर होल्डर पहले से चलता आ रहा है। हाँ हाँ, तो अब अच्छा उसका करंट में स्टेटस क्या है? हाँ, तो अभी उसको क्या बोलेगा कंपनी का? प्रेजेंट एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर, तो बात ही खत्म हो गई ना। प्रेजेंट एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर हो गया, नहीं हो गया? तो वो क्राइटेरिया था ही डिफरेंट, नहीं क्या फर्क है? अच्छा एक बात बता मेरे को, मैंने घुमाया है, क्यों कंफ्यूज हो रहा है मेरे भाई? ये देख, इधर आ, ऊपर आ, ये देख। बैठ दे यार, आ जा, समझ। हाँ बैठ, समझ, तेरा खुल के तेरा दिमाग चल गया, समझ आ गई तेरे को मेरी बात? अच्छा कोई बंदा, ज्यादातर क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि बंदा पहले नौकरी ज्वाइन करता है फिर शेयर होल्डर बनता जाता ही होता है, तो वो ऊपर सबसे पहला केस यही था, प्रेजेंट एम्प्लॉई प्लस शेयर होल्डर 200 में नहीं आएगा। अब नीचे आ, मान ले मैं रिलायंस का शेयर होल्डर पहले से था, मैंने बाद में उसी कंपनी की नौकरी भी ज्वाइन कर ली,
अच्छा, जब मैं खाली शेयर होल्डर से नौकरी ज्वाइन नहीं कर रखी थी तब मैं 200 की लिमिट के अंदर आता हूँ। खैर रिलायंस तो पब्लिक कंपनी है, मैं तो एग्जांपल ही गलत लिया, मगर वैसे तब मैं एक प्राइवेट कंपनी की 200 की लिमिट में आता हूँ। जैसे ही मैं उस कंपनी का नौकर भी बन गया, एम्प्लॉई भी बन गया, तो अभी करंट मेरे पास कंपनी के शेयर भी हैं, मैं उस करंट में उस कंपनी का एम्प्लॉई भी हूँ। क्या प्रेजेंट एम्प्लॉई पर प्रेजेंट शेयर होल्डर नहीं हो गया? अब लेकिन क्या तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा बता फिर। आ गई ना बात समझ? तो 200 की लिमिट में नहीं, प्रेजेंट एम्प्लॉई प्लस मेंबर नहीं हो गया वो मेरे को। उसका तो क्वेश्चन ही लॉजिकल लगा। वो कह रहा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले शेयर ले लिए बाद में हम, बड़ा कॉमन है, हो जाता है कई बार, हमने पहले शेयर लिए बाद में उस कंपनी की नौकरी ज्वाइन कर ली। इसमें फ्रॉड क्या? शेयर होल्डर तो बन रहे उस कंपनी के, शेयर होल्डर बनना फायदा थोड़ी होता है, नुकसान होता है। कल कंपनी डूबेगी तो सबसे पहले वैसे शेयर होल्डर का डूबता है। प्राइवेट कंपनी के लिए फ्रॉड नहीं हुआ? फ्रॉड क्या है? कंपनी वालों के लिए गवर्नमेंट सोच के तो ये लॉ बनाई। हाँ तो फ्रॉड क्या? उन्होंने तब अच्छा उन्होंने सोच के फ्री लिमिट भी तो बनाई है तो वो भी तो उन्होंने बनाई है, मैंने थोड़ी बनाई है, लिमिट भी तो उन्हीं की है। हाँ मेरे को, मैंने पता, मैंने मेरे को पहले ही पता था पांचवें में ना कहीं का दिमाग चलेगा, और मेरे को मैंने क्योंकि मैंने सिचुएशन ही घुमा दी। और ऐसे पता होनी चाहिए कि रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, मैंने किसी कंपनी का शेयर ले लिया बाद में उसी कंपनी की नौकरी ज्वाइन कर ली, बिल्कुल होता है। नहीं होगा ऐसा? हो सकता नहीं होगा फिर अकाउंट दोस्तों क्रॉस, ठीक है। हाँ हाँ तो क्यों रिटायरमेंट नौकरी से डिसकंटिन्यू करा? शेयर होल्डिंग थोड़ी कंटिन्यू करा है, डिसकंटिन्यू करा है। हमें डिसकंटिन्यू नौकरी का नहीं देखना, शेयर होल्डिंग का देखना। ये तो ऊपर वाला केस है, मैं समझा ही चुका हूँ कि अगर कोई बंदा पास्ट में एम्प्लॉई था प्लस शेयर होल्डर भी था, रिटायर हो गया नौकरी से डिसकंटिन्यू हो गया, शेयर तो आज भी वही वाले चल रहे हैं, तो वो 200 किलोमीटर में नहीं आएगा। पास्ट एम्प्लॉई है लेकिन कंटिन्यूड विद द मेंबर है, मेंबरशिप तो डिसकंटिन्यू हुई नहीं, तो वो 200 में नहीं आएगा। हाँ भाई गांव वालों क्लियर है? मैं तो कह रहा हूं तुम पढ़ के आए थे प्राइवेट कंपनी, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ऐसे नहीं पढ़ा था। अब क्लियर है? अभी तो मैं थर्ड पॉइंट पे आया ही नहीं हूँ, अभी तो दो ही चल रहे हैं इतनी देर से, तीसरा तो अभी सबसे ज्यादा जान खाएगा तुम्हारी। कहने को वो एक लाइन है, टेंशन नहीं दे रहा, तुम्हें अलर्ट करता रहा, तुम्हारे नींद ना आ जाए तुम्हारे को इधर उधर। हाँ मेरे दोनों भाइयों कौन सा मुद्दा चल रहा है मेरे को बता। अच्छा मेरे को लगा मुआवजा वुआवजा दिलवा रहा था उसको कोई। अच्छा हाँ भाई क्लियर है? हाँ भाई आगे बढ़े, लिख लिए पांचों केस, चलो आओ थर्ड पॉइंट पे। हे भगवान, मैंने तुम्हें क्या बोला था आज? प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन पे एक घंटा लगेगा, तमीज से पढ़ेंगे ना। आओ अभी आज सुबह सुबह मेरे को मैसेज आया कि अजय सर का, कि किसी बच्चे ने बोला है कि रमन सर ना केस स्टडी नहीं करा रहे क्लास के अंदर। किसी ने बोला होगा, किसी बच्चे ने केस स्टडी नहीं करा रहे ऊपर। मैंने कहा अगर ये केस नहीं है तो फिर तो केस क्या होता है भगवान जाने। मेरे को अरे मैं तुम पे भरोसा है नहीं, मैं किसी को भी नहीं देख रहा, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ नॉर्मली लॉजिकली। अच्छा ऐसे मत देखो बच्चे सारे ओके हो लॉजिकली। अच्छा कुछ चीज़ सोचो, मैंने सर को भी आज ये बताया, मैं सर जब तीसरी चौथी क्लास बेसिक चल रही होगी तो उसमें पहले प्रोविजन समझाऊंगा, पहले केस समझा दूंगा, पहले प्रोविजन क्लियर होंगे तो केस पल्ले पड़ेंगे, पहले केस समझ लो यार, सेक्शन होते रहेंगे बाद में। अब से यही करें मतलब है, मतलब बंदे को पहले गाड़ दो बाद में पूछो मर्डर कैसे हुआ था। हाँ चलो आओ। हाँ भाई गाँव वालों सेकंड क्लियर, आओ थर्ड पे। देखो अब ये खेल चालू होने वाला है और तगड़ा, और फिर अब इसको लिस्टेड कंपनी से एनालाइज करेंगे। अच्छा शब्द क्या है यहाँ पे, क्या कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती,
शब्द क्या है लास्ट में यहाँ पे? Prohibits any invitation to the public. Invitation to the public means public issue. Private company को public issue लाना? Shares का, debenture का या किसी का भी? किसी का भी. इसका मतलब private company share या debenture जो भी issue करेगी हमेशा किस route से करेगी? Private placement के route से करेगी, public issue के route से नहीं करेगी. और issue करने के बाद भी उसके share कभी भी freely transferable नहीं रहेंगे, लेकिन debenture freely transferable रहेंगे, क्योंकि वो पहला पॉइंट अलाउ करता है कि डिबेंचर पे कोई रोक नहीं है. यहां तक बात क्लियर है सबको? पक्का? अभी ना प्राइवेट कंपनी खत्म नहीं हुई है, वैसे खत्म हो गई बुकिश. इसकी ना लिस्टेड कंपनी से डेफिनेशन का एनालिसिस करना है. किससे लिंकिंग करने जा रहा हूं मैं? इसकी लिस्टेड कंपनी से. क्या इंडिया में प्राइवेट कंपनी लिस्ट होती है? मैंने बताया था होती है. होती है, अभी देखते हैं. कितने कहते हैं प्राइवेट कंपनी लिस्ट होती है, कितने कहते हैं नहीं होती? 1, 2, 3. कितने कहते हैं मैं पता ही कुछ नहीं? 1, 2, 3, 4, 5. सर आता ही कुछ नहीं, समझ ही कुछ नहीं आता हमारे को. ठीक है बैठे, बस जब सब बोल देंगे हम भाई. देखो बड़े ध्यान से सुनना, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन करा रहा हूँ. आज पूरी नहीं खत्म करा पाऊंगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पे ही मैं 1.5 घंटा लगाऊंगा अलग से, तो आज तो पूरी खत्म नहीं होगी. सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी को प्राइवेट कंपनी से लिंक करके दिखा रहा हूँ कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा. ये प्राइवेट कंपनी समझ आ गई, बेस तीनों पॉइंट समझ आ गए, ऊपर चलते हैं. लिस्टेड कंपनी पे आओ. लिस्टेड कंपनी में नया रूल ऐड हुआ है 19/2/2021 को फरवरी में, तो ये तो यही कराना है, इस पर टाइम लगेगा. अभी सिर्फ लिस्टेड कंपनी की, सिर्फ यहाँ तक की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक की. क्या लिखा हुआ है? लिस्टेड कंपनी मींस फाइनल, जो लिख दिया वही मानना है, इसके अलावा कुछ नहीं मानना. आ कंपनी, जब मैं बोलूं आ कंपनी तो प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों. विच हैज, यहीं रुक जाओ, विच हैज एनी ऑफ इट्स लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज. अच्छा एक चीज याद रखना, कंपनी कभी लिस्ट नहीं होती, कंपनी की सिक्योरिटी लिस्ट होती है. अच्छा व्हाट इज लिस्टिंग, तुमसे कोई पहले ये पूछ ले, लिखो लिस्टिंग क्या होती है, पहले लिस्टिंग होता क्या, पहले लिखो. लिस्टिंग इज अ काइंड ऑफ परमिशन, लिस्टिंग इज अ काइंड ऑफ परमिशन विच इज, लिस्टिंग इज अ काइंड ऑफ परमिशन विच इज गिवन बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस टू द कंपनीज सो दैट सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. तो लिस्टिंग क्या है? एक काइंड ऑफ परमिशन है जो कौन दे रहा है? स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है. किसको दे रहा है? कंपनी को, ताकि वो कंपनी क्या करा सके? अपने शेयर्स की ट्रेडिंग करवा सके. किसके ऊपर? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इजीली खरीदे बेचे जा सके. अच्छा इंडिया में ना आपको दो तरीके की परमिशन लेनी होती है, एक होती है लिस्टिंग परमिशन. लिस्टिंग इज अ काइंड ऑफ परमिशन which is given by the stock exchanges to the companies so that securities of that company can be traded on that stock exchange. India में ना आपको दो permission लेनी होती है, एक होती है listing permission, एक होती है trading permission. अच्छा तुम लोग, जैसे कोई बंदा इंडिया से बाहर जाता है तो आपको पता होगा दो चीज़ें चाहिए होती हैं, passport और visa. अच्छा passport क्या हर बार बनता है life में, lifetime के लिए बनता है? लेकिन क्या visa हर बार लगवाना पड़ता है हर state हर country में जाने के लिए? तो लिस्टिंग और ट्रेडिंग परमिशन में वही फर्क है. लिस्टिंग परमिशन लाइफ टाइम के लिए मिलती है, लेकिन ट्रेडिंग परमिशन जितने साल के लिए ट्रेड कराना है उतने साल के लिए अलग से लेनी पड़ती है. तो आपको 5 साल के लिए ट्रेड कराना है तो 5 साल की ट्रेडिंग परमिशन, 2 साल के लिए ट्रेड कराने दो 2 साल की ट्रेडिंग परमिशन. तो मैं कह सकता हूँ कि लिस्टिंग परमिशन इज इक्वल टू पासपोर्ट, वो वन टाइम मिलेगी, और ट्रेडिंग परमिशन इज इक्वल टू वीजा, जितनी साल के ट्रेड कराना है उतने अगले बार बार लेनी पड़ेगी. तो लिस्टिंग परमिशन और ट्रेडिंग परमिशन में क्लियर हो गया. कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर? नो, करंटली नो, अभी वेबसाइट पे दिखाऊंगा सभी की. ठीक है, पहले 22 होते थे, 22, उससे पहले 24 होते थे, फिर 19 हुए, फिर 18 हुए, अब कितने रह गए? नो,
अभी दिखाऊंगा। अच्छा लिस्टिंग हमें समझ आ गया क्या होता है, एक परमिशन है जो स्टॉक एक्सचेंज दे रहा था। अच्छा लिस्टिंग क्यों कराते लोग, ताकि फ्रीली शेयर ट्रांसफरेबल हो, इजीली खरीदे बेचे जा सके। अच्छा नॉर्मली कस्टमर ढूंढना मुश्किल है, स्टॉक मार्केट एक मंडी है जहां पे आपको क्या मिल जाएगा, कस्टमर मिल जाएगा, सेलर को बायर मिल जाएगा, बायर को सेलर मिल जाएगा, ब्रोकर बिकवा के बीच में अपनी क्या ले लेगा, कमीशन ले लेगा, यही होता है, यही तो एक मार्केट। अब जरा यहां हो लिस्टिंग कंपनी की डेफिनेशन पढ़ो, लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है प्राइवेट पब्लिक जिसकी एनी ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड है, यहीं रुक जाओ, एनी ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड। अच्छा जब एनी ऑफ सिक्योरिटी आ रहा है तो सिक्योरिटी में तो शेयर भी आते हैं, डिबेंचर भी आते हैं, सब कुछ आता है। अब तुम लॉजिकली सोचो, अच्छा शेयर भी आते हैं और डिबेंचर भी आते हैं और वो बोल रहा है आ कंपनी, तो आ मीन्स प्राइवेट और पब्लिक दोनों। तो इस डेफिनेशन को अगर हम लिटरली पढ़ें, किसी दूसरी डेफिनेशन से लिंक ना करें, तो इस डेफिनेशन को पढ़ के सिंगल इफेक्ट तो ये निकल के आ रहा है कि इंडिया में प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उसके शेयर भी लिस्ट हो सकते हैं और डिबेंचर भी लिस्ट हो सकते हैं, इस डेफिनेशन को पढ़ के तो यही लग रहा है। लेकिन जब हम नीचे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पे आते हैं, तो उसका पहला पॉइंट ही क्या था, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। अगर तुम प्राइवेट कंपनी के शेयर लिस्ट करा दोगे वो तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, और प्राइवेट कंपनी के शेयर क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल होते, रिस्ट्रिक्शन होती है। तो जब हम सेक्शन 2 क्लॉज 52 लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन को प्राइवेट कंपनी से कंबाइन इफेक्ट निकालेंगे, तो इफेक्ट ये निकलता है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर लिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इसको पढ़ के तो ये लग रहा है कुछ भी लिस्ट हो सकता है, शेयर भी और डिबेंचर भी। लेकिन प्राइवेट कंपनी का पहली रिस्ट्रिक्शन ही क्या बोलती है, कि प्राइवेट कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। और अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी लिस्ट करवा दें तो फिर प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, और किसकी वायलेशन हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी की पहले पॉइंट की क्या हो जाएगी, वायलेशन हो जाएगी। लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर फ्रीली ट्रांसफरेबल थे? इसीलिए इंडिया में सिर्फ प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर लिस्ट होते हैं, शेयर लिस्ट नहीं होते। लेकिन पब्लिक कंपनी की इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर सब कुछ लिस्ट हो सकता है। अब प्रैक्टिकली दिखाता हूं, अब बीएससी की साइट पे आओ, लो देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे चलते हैं। अच्छा पहले सेबी की साइट पे चलते हैं, पहले सेबी की साइट पे चलते हैं, पहले स्टॉक एक्सचेंज दिखा दूं कितने हैं। ये आई एम सेबी भाई साहब की साइट पे, थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा इंटरमीडियरीज। तो स्टॉक एक्सचेंज इज इंटरमीडियरी, ये आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट, ये हमने खोल दी। तो ऊपर लिखा हो देखो नेम ऑफ द रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जो भी हम पढ़ रहे थे कि रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होनी जरूरी है। कितने हैं जरा गिनती करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म, फिनिश। अच्छा अब इसमें भी एक चीज देखो, इसमें भी कहीं समाप्त होने वाले हैं। अच्छा बीएससी की रिकग्निशन कब तक की है, लेकिन इसमें ये देखो एक इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस की कब तक की है, दिसंबर 28, 2000 क्या इसका स्वाहा हो चुका है। थोड़ा नीचे आओ, इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ये कब तक का है, थोड़ा नीचे आते हैं, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज 15 सितंबर 2022 अभी अभी निकला है, नहीं अच्छा अभी आएगा 22 तो आना है। अच्छा मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज MCX सुना होगा कभी, तो ये कब तक का है, परमानेंट, नेशनल कॉम परमानेंट, ये भी परमानेंट, और नीचे फिर लास्ट क्या है, NSE IFSC लिमिटेड, ये भी IFSC कंपनीज क्या होती है आगे पढ़ाऊंगा, ये कब तक था, मई 28, 2000 खत्म। अच्छा ये रिन्यू, अच्छा ये खत्म का मतलब ये नहीं है कि वो इनको लिस्टिंग परमिशन मिली हुई है, तो ट्रेडिंग परमिशन खत्म हो गई इनकी, रिकग्निशन खत्म हो, इसका मतलब क्या है, इनको क्या कराना पड़ेगा, वापस ट्रेडिंग रिन्यू करानी पड़ेगी। बात समझ आ गई। अब ये तो हो गई जी स्टॉक एक्सचेंजेस की बात, जो हमने देखा इंडिया में कितने रिकग्नाइज हैं। अब हम बात करते हैं उसकी, बीएससी की साइट पे चलते हैं, जो तुमको मैं सिखा रहा था कि क्या इंडिया में प्राइवेट कंपनी लिस्ट होती है। तो ये लो देखो, ये हमने खोली बीएससी की साइट। अच्छा यहाँ पे वो पूछ रहा है क्या सर्च कर रहे हो, इक्विटी प्रेफरेंस वगैरह, है ना। तो जैसे मान लो इक्विटी का सेगमेंट सर्च करते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट लिमिटेड, नो मैच फाउंड, इसके अलावा इंडिया में प्राइवेट कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं होते। लेकिन नीचे आते हैं डेट एंड अदर्स, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्राइवेट, आ गई बड़ी सारी प्राइवेट कंपनियाँ, इसका मतलब, और बीएससी की साइट पे है, मेरे घर की साइट पे तो है नहीं, इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे शो हो रही है उसके लिए लिस्टेड है, लेकिन क्या लिस्टेड है, डिबेंचर लिस्टेड है, शेयर लिस्ट नहीं। पक्का पक्का लॉक कर दे, प्रैक्टिकली देख लिया, अब उतरेगा नहीं दिमाग से कभी जिंदगी में, ठीक है क्लियर। बस आज यहीं करा, यहीं तक करा था, चलो है ITC किया, प्राइवेट तो बहुत है,
आज मार्केट डाउन है। क्या कह रही है, आईटीसी में प्राइवेट कंपनी लिस्ट होती है? मतलब आईटीसी तो कंपनी का नाम है, इनपुट एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जीएसटी में, आईएफएससी होता है।